I'm starting here. Mm. बिल्कुल सही कह रहे हैं तो, तो मिशन है मेरा मतलब दस साल लगेंगे इस काम इस सब तो फलस्ती को ना घंटों की बात हो रही है दस सालों की नहीं महीनों की नहीं हफ्तों की नहीं दिनों की नहीं घंटे में बंदा मार रहा है पाकिस्तान आर्मी मुझे इसराइल में चाहिए मेरे छोटे छोटे सारे बच्चे मार गए उधर और वहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ मैं चला भी गया तो कोई फायदा नहीं होना फलस्तीनियों हो। आप जैसे गन दिखाएंगे उधर तीन तरह के बजट उनको अप्रूव करने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बंदूक निकाल लिया चलाई नहीं अभी ना गए इस्लाम काबे के बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे जा रहे थे क्या मैं खताब में हूँ या खतरे में हूँ ओ अरब उन्होंने कहा खतरे में खता में तो नहीं तो इसे कौन से मेरे नाना के दीन में तुमने ये देखा है कि खतरे को छोड़ के खता की तरफ चले जाओ अभी आप गूगल करें टॉप तर्ज में दीन के नीचे इंग्लिश में फेथ लिखा हुआ एक वली का भी तर्ज नहीं होता अगर निजाम अल्लाह का नहीं शख्स अल्लाह ताला को एक से याद कर रहा है और उसको यही पता है यानी आप उसको जाके यू हिट करते हो खोले सर सूरज जुमा खोले मुसलमान जो दाड़ी वाला है दीज आर माई ओनली ट्रू ब्रदर्स असद के मेबर पे इस जो बैठा हुआ है उसको ब्लेम करने के बिना वाई डोंट मीन यू टेक दैट मेंबर जिस मर्जी पाकिस्तानी का ले लेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कख पता नहीं होगा आए, आए, The bigger names, have you उस वक्त मुलाकात की At our data, 57% of people on our channel have not subscribed. If you like the Institute to it, then request is that please subscribe. Now we don't monetize our work. But what it does is it helps the algorithm grow. The more the subscribers, the more widely will the message be spread. So if your subscription leads to more people hearing good content, this is your gift. And here's the good part.

हमने एक पॉडकास्ट हुए कुछ महीने हुए पहले आई थिंक अपनी तक जितनी हुई है हर एपिसोड में एक गंटन प्लीज एंड प्लीज एंड तो वो आपने ऐसा क्या किया है कि लोग जो क्या कहते हैं आपको सुनना चाहते हैं शायद वो चाहते हैं किसीटना आपके

ना वो नाहली थी मुसलमानों की या कोई यहूदी साजिश थी जदा नहीं मारा कसवी दीरे दुवार साहब उसको रिवाइव करने के लिए फोर पॉइंट एजेंडा ज़रूरी और उसके पीछे मॉरल कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल पॉलिटिकल कैपिटल एंड मेंटल कैपिटल ये चार चीज़ें मुसलमानों की बढ़ानी इसके लिए टाइम चाहिए होता है टाइम का मतलब य था कि आदमी की एवरेज एज सिक्सटीज़ में है सेवेंटीज़ में सो दैट्स वाई एम हिटिंग द ट्वेल्व ईयर ओल्ड थर्टीन ईयर ओल्ड वो कैसे होगा उनके पेरेंट्स को पहले कन्विंस करना पड़ेगा कि अभी से काम शुरू करो वी डू नाट है और ये चारों चीज़ों को लेने के लिए वी वी रियली नीड टू नो द दर्पज़ कि जैसे ही हमने इरा ऑफ थाट वापस नबी सलाम की तरफ शिफ्ट किया जो कि हमारा मकसद है तो हमें इन चारों चीज़ों के जो कि सीरा से साफ जाए। और ये बात तो मेरा अपना कोई आइडिया नहीं है ये चार पॉइंट ये ये सीरा से ही मैं ले रहा हूँ तो जब एक मुसलमान इन चारों चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा तो वो वदूम अस्तातु इन कुआ से महरूम हो रहा है अगर आपको वकूवत नहीं होगी मैं ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता हूँ उसका स्टूडेंट हूँ जितनी कुछ तक दो उन्होंने की है उसके बाद जो कॉम्नलिटीज़ हैं क्योंकि वो भी तरक्की कर रहा है कॉमनेलिटीज देर आर कॉमन सेंस बेस्ड एंड देर वे साउंड लुक एट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स सो जब आप हायरार्किकल नोट के ऊपर नहीं होते तो आप चाहे सही फ़िलासफी पे हों चाहे गलत फिलासफी पे हों यू ना मेक एन इम्पैक्ट और अगर आप हायरार्किकल नोट के ऊपर हों तो चाहे आप गलत फिलासफी पे हों यू आर अ मेक एन इम्पैक्ट इवन दो इज गंग बट एवरी वन इज गोइंग यू एंड यूर बिहेवियर सो so, अगर इस्लाम का निज़ाम जो कि मेरा और हम तब मुसलमानों का मकसद हयात है कि अल्लाह ताला का निज़ाम इस दुनिया में हो वो असूल भी और वो कानून भी अल्लाह ताला की किताब से और नवीसम की सुन्नत से ले रहे हों तब तक आप आ, इस पर्पस को अचीव किए बग़ैर हम मुसलमान किसी चैन में नहीं होने चाहिए वी शुड बी इन सर्टन लेवल ऑफ एनजाइटी देट शुड भी कमिंग फ्राम आवर पर्पज़ कि भाई काम पूरा ही नहीं हुआ मैं कैसे हाउ कैन आई एक्चली स्लीप साउंड जो पहली हदीस है ना नबी वसल्लम की नबूत के बाद वो यही है जब नबी वसल्लम घर पर तशरीफ़ हैं और पहला वाक़ हुआ हुआ वा था कि वही आई हुई है तो खतीजा ने चादर उड़ाते हुए कहा कि आप आराम करें मॉर्निंग प्रोफेसर ने क्या इशाफ माया खतीजा आराम का वक्त ख़त्म हाफ काम का वक्त सो देट्स दिन देर आई नीड दिस दिस यूस्ट्रेस दैर आई नीड एनी मुस्लिम मदर स्पेशली मदर्स एंड ए फादर टू नो कि भाई मैं शादी के भी काबिल तब हूँ जब मेरा इस्लाम का पर्पज़ मुझे क्वालिफ़ाई करेगा क्योंकि मुझे अगले पचास साल के मसले पता है तब कहीं मैं शादी करूंगा कि उन, उन मसलों को डील करने के इस्लाम के मसाइल जो कि ग्लोबल इशूज़ हैं उनको पूरा करने के लिए मैं एक फौजी तैयार करूंगा और क्या मैं इसके काबिलियत है मेरे अंदर कि नहीं अगर नहीं है तो फिर आप शादी के लिए क्वालिफ़ाई नहीं है हम जिन इंडिकेटर्स पे शादी के लिए क्वालिफाई करते हैं दिस इज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी राइट? वो इंडिकेटर्स हमें तंग ही नहीं करते टू गिव दीज फॉर कैपिटल एसेट्स टू मुस्लिम यूथ जिसके लिए मैं हर मुल्क हर शहर में जाने के लिए hmm. तैयार हुआ हूँ ईस्टर्न फ्लैंक पूरा कर लिया हुआ है अब मैं सेंट्रल फ्लैग पे हूँ इस वक्त स्कैंडिनेविया अब इंग्लैंड से आया हूँ मैं स्कैंडिनेविया का टूर है फिर वेस्टर्न फ्लैग पूरा तमाम मुसलमानों को पहले तो रिवाइव करेंगे भाई ये हाउ आर यू ओके विद दिस हाउ डेयर यू बी ओके विद दिस कि सारा कुछ खराब है और उसके बाद आप चैन की नींद सो रहे ना आई नीड दैट डिस्ट्रप्शन ऑफ थाट एस आप इस थॉट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक आप ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि एक लाख चौबीस हज़ार दफ़ा अल्लाह तौला दुनिया में रिमाइंडर दे चुके हैं कि ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर क्या है एक भी नबी दूसरे नबी से रत्ती बराबर तफरीक नहीं करता सोच नीचे देने में इसका मतलब है कि दे वॉज एन ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर या तो ना किसी एक नबी ने कोई और बात की हो या वक्त का तकाजा था तो दूसरे ने कोई और बात जितने मर्ज़ी वक्त ईराज अदवार बदले हों नबी अपना मैसेज नहीं चेंज करते आदमी से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक वर बैटम एक ही मैसेज जा रहा है ये एग्जैक्ट सेम पिक्चर फोर के की क्वालिटी में इन्विजन की जा रही है कि इसके अलावा कुछ ट्रूथ नहीं है और साफ साफ इन्विटेशन दे रहे हैं कि ये ट्रूथ तुम्हारे अंदर की नसों में से बोल रहा है ये इसको फितरा कहते इस नस की जो आवाज़ है जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब के लिए ये लो किताबें वो अगर राइम नहीं करवा सक रहे हम तो ये हमारी कोताही है कि हम अप, अपने बच्चों की फितरी आवाज़ को हम र, रेजोनेट नहीं कर रहे हैं अपने अमाल और अपने इस एक्ूमेंट के थ्रू और ये मैंने जो चार पॉइंट एजेंडा बताएं ये हर बाप की भी फितरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चे हुँ। हुँ। के अंदर पॉलिटिकल कैपिटल हो मॉरल कै, सबसे पहले मॉरल कैपिटल हो फिर उसके अंदर मेंटल कैपिटल हो उसका आईक्यू हो उसके बाद उसका यू नो पॉलिटिकल कैपिटल एक्मेंट शार्प हो वर्ल्ड व्यू इतना क्रिस्प एंड क्लियर हो उसको पता हो कि मसाल क्या हैं उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल उसकी सुनना है उसकी शर्य ज़रूरत है कि उसका फाइनेंशियल कैपिटल ठीक है ये हुक्म के तौर पर आया वाइदल तुम मिनको हुआ ये अल्लाह ताली ने ये यह, यहाँ पे हम सबको एनफोर्स अपॉन किया है कि इसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं हो सकता तुम्हारा दीन अब मैं जब कहता हूँ ना कि दीन की फाउंडेशन लाई गई है तो आप सर्वे लेके देख लें लाहौर का सर्वे करें आप कराची का करें इस्लाम आबाद का करें सौ सौ बंदे पकड़ें और उनसे कहें फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी से द वर्ड दीन तो आप वो बता देंगे सो में से नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों फाइव परसेंट होंगे उनको तो पता ही नहीं कुछ होगा नाइन्टी फाइव परसेंट वो लोग और मैं हल्के इसको और बेहतर करता हूँ स्टार्टअर्स चेंज कर देते हैं दाढ़ी वाले कुल्ले वाले पकड़े हिजाब वाली औरतें पकड़ें उनसे पकड़े सवाल पूछें आम बंदे को तो छोड़ देना आप उनसे कहें दीन का लफ्ज लूंगा जो मैं लाउस बोलूँगा पहला तुम्हारे जहन में जितनी तस्वीर बनेगी मुझे बता देना जैसे बोलेंगे दीन पचास फीसद के जहन में मसलह आएगा ठीक है कि किसी के जहन में क़बा आएगा किसी के जहन में शलवार कमीज आएगा कुछ भी एनी थिंग यह सर्वे आप सिर्फ पाकिस्तान में से ना करें इंडिया में करें बांग्लादेश में करें यह सर्वे आप करें अरब में ये करें नॉर्थ अफ्रीका में ये करें अमरीका में इंग्लैंड में मैं तो कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको पता चलेगा कि जिस किताब के अंदर जिस मकसद का जो पेविटल लफ्ज है द डेफिशन ऑफ इस्लाम उसका मतलब जो चेंज हो गया उसने क्या आना है अपने असली मर्पज़ के ऊपर ठीक है दिस इज़ द चेंज द शिफ्ट बैक टू द इरा कि अल्लाह ताली के, के नबी वसम जब दीन का लफ्ज़ शासबा तो के जहन में मसल नहीं आते थे इट वॉज अ बेसिक ड्यूटी की नमाज़ नहीं पढ़ी तो आप तो यू नो यू डोंट इवन क्वालिफाई टू प्ले द बिग गेम दीन के दिन में बिग गेम आती थी, थी कि ग्लोबल परपज़ है पूरी दुनिया पे जो ये इस्लाम का इंतज़ाम पूरा करके देना हमारे एक एक बंदे का उतना ही मकसद है जितना कि नबी का मकसद है इसकी निशानी क्या है जिसके जहन में अभी भी सवाल आ रहा है क्या मेरी ओपिनियन है तो मेरी ओपिनियन तो नहीं है इसका जो क्लाइमैक्स है ना इस पूरे के पूरे कुरान पाक का जो क्लाइमैक्स है वो आता है जब ईसा अपने मरियम वापस आते हैं नबीम ने अपने दौर के अंदर बता दिया हुआ है ऐसी ऐसी अदीस हैं सबको पता है कि एक दौर ऐसा था कि लोहे की कंगी से एक बंदे को पकड़ के वैसे ही राहगीर को पकड़ के खड्डे में डाल देते थे और लोहे की कंगी से उसकी चमड़ी धेर देते थे फॉर नो रीज़न और एक वक्त ऐसा आएगा कि हिरा से औरतें चलेंगी काबे के तवाफ़ के लिए और नहीं। नहीं। उनको अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा एक हज़र मौत से जमन का सफ़र करेगी एक औरत सामान लदा हुआ उसका मगर बिला खौफ व ख़तर वो अकेली औरत सफ़र करेगी ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरीके से बता रहे हैं कि दिस इज़ द दीराज इज़ दीरा दाइनस इरा इज़ जब ईसा साबन मरियम ने आना है और अल्लाह तला का पूरा इंतज़ाम कर देना है दुनिया पूरी की पूरी अल्लाह तला के इस निज़ाम के नीचे आ जाएगी इधर दो आर्कियोलॉजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल यू नो आर्कोलॉजिकल इसलिए बोल रहा हूँ इधर खुदाई करनी पड़ती है दिमाग की ना खुदाई करनी पड़ती है कि हरान इज़ दिस नो दिस ना दी एंड स्टोरी इज द क्लाइमैक्स ऑफ दरी एंड ऑफ द स्टोरीज के कुछ अर्से बाद इस अपने मरियम के वसाल के कुछ अरसे बाद ही इंसानों ने दीन छोड़ देना इंसानों ने दीन नहीं छोड़ना खाली इन्होंने मोरालिटी भी छोड़ देनी मोरालिटी भी इतनी छोड़नी है कि रत्ती बराबर भी ईमान नहीं बचेगा और अल्लाह त फिर मैं कुरानी उठा लूंगा और जब कुरान उठाऊंगा तब डे ऑफ जजमेंट आएगी इधर दो एविडेंसिस बड़े क्लियर हैं एक ये कि अगर ये इस्लाम का मकसद ना होता तो पूरी दुनिया पर ईसा इबन मरियम आते सिर्फ जरूसलम पे आते किस तरीके से पहले थे ठीक है पूरी दुनिया पे इंतज़ाम किया जी पूरी दुनिया पर इसका सबूत सिर्फ मुसलमानों के पास है नहीं जोदी भी ये मानते हैं वो अलग बात है नाम मसीहा रख देते हैं मतलब आ, किसी और बंदे पर अटैच करते हैं इस मसीह को ईसाई भी मानते हैं मुसलमान भी मानते हैं अल्लाह तला ने शुरू से ही बात बताई हुई थी इट वॉज़ नाट न्यूज़ ईसा मरियम के आने से आ, दुनिया में आने से पैदा होने से पहले यहूदियों को पता था कि एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर क्या मामला होना सो दिस वॉज ओरिजिनल स्क्रिप्ट नो प्रॉफिट चेंज एनी बिट ऑफ इट ठीक है और आयोनिकली प्रोफेसर ने हमें यह भी बता दिया कि यह कहानी खाली अभी की नहीं है ये दज्जाल की वार्निंग झूठे ईसा इसका मतलब ईसा भी है यह वार्निंग नू असलम से देते हुए आ रहे हैं अबिया दाल की तो नूह सलाम की इट डेट्स एवरीबॉडी। इसका मतलब है तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट वी ऑल एवरीबॉडी नोस अब जब सबूत के दर्ज से मिलता है जिस जो हर जी शुरूर बंदे को यूथ को पता होना चाहिए कि अगर ये मकसद है तो फिर अचीव हो गया मकसद तो उसके बाद ऐसा क्या होगा कि ईसा इब्ने मरियम के आने के बाद दुनिया में हर घर में इस्लाम चला जाएगा ऐसे ही है एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा इस्लाम ना जाए इवन यहूदियों की किताब में भी एग्जैक्टली बच्चे का नो हाउस विल बी लेफ्ट ओके फ्रॉम द ईस्टर्न सीज टू द वेस्टर्न सीज लाइक अ क्लाउड द वर्ड ऑफ गॉड विल एंटर एवरी हाउस होल्ड आई एम कोटिंग द तोरा डायरेक्टली नॉट इवन द तनाख द तोरा सबको पता ही होगा फिर क्या होगा इसे अपने मरियम के जाने के बाद क्या होगा ऐसे उड़ा के इन्होंने दीन को ख़त्म करना जैसे अभी बुखारात उड़ गए इसका मतलब है ह्यूमन साइकोलॉजी डिजाइन ऐसी हुई हुई है हमारी जबिलत कि हम अपनी सरकशी में अपना सिस्टम नया बना लेते हैं हर हायर आर्किकल नोट के ऊपर जाने की तक वो तो तो चल रही है और जो ऊपर जाता है वो कहता है मेरा मेरी चलेगी मेरी चलेगी और वो अपनी कॉपी नीचे बनाने की कोशिश करता है कि मेरा निज़ाम चलो इसको अल्लाह ताल ता ताकूत कहते हैं कि तुम अपना सिस्टम कैसे बना लेते हो एंड हाउ डेर यू कॉल इट ए सिस्टम सो so, ये है वर्ल्ड व्यू जो कि मैं यूथ को दे रहा हूँ इस वक्त कि भाई एक सबसे पहले तो दीन को जब हम मैं लफ्ज़ बोलूँ दीन तो आपके सामने पूरी की पूरी कायनात का, का नक्शा आना चाहिए जूम इन होना चाहिए आपके दिमाग प्लान अर्थ के ऊपर प्लान अर्थ के ऊपर तमाम तर पोलिटिकल अफेयर्स आपको रेशों की तरह नजर आने चाहिए कौन सी पावर किस किस चीज़ को एग्जर्ट करके अपना अपना सिस्टम नाफिज कर रही है भाई देव ये नक्शा मैं हर जगह प्रजेंट कर रहा हूँ ऑन द मैप आई ड्रू ड्र मैप कलर्स में पोलिटिकल सिस्टम्स कौन से इस वक्त मेजर नाफिज़ हैं कौन कौन सी फ़िलासफीज उनको बैक कर रही है और यही टूर लेके में इसकी बेसिक स्टार्टिंग टूर है उसकी फर्स्ट थ्री फोर स्लाइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ दीन का पहले तस्वीर तो सही बनाओ ठीक है ठीक है Just, uh, इसके एक चीज़ जो सो वन यू सो चार्ट बिल्डअप और उसमें दीन का जो तस्वर खराब होना है कब खराब हुआ खराब हुआ उससे पहले खराब होना शुरू हो गया तो yes खराब हो गया था तो उसके, बाद की, uh, के उसके बाद भी इस्लाम प्रोडमिनेट था दुनिया में तो वहीं से खराब हो गया था लेकिन तो, आपको मरवान का पता है इस तरह का बंदा के दौर में आ सकता था लीडरशिप में कभी भी नहीं आ सकता ठीक है असल में ना हमें पता नहीं है जितने मर्जी आए तशह तो सु सुन रहे हो यजीद की डिटेल नहीं अल्लाह तला नहीं इसकाबिल नहीं समझा उसको कि उसको उसके हाँ। बारे में बट वी आर जॉब वाज़ टू फाइंड आउट कि उसके मेजर क्राइम क्या थे शराबी तो ठीक है वह था आयाज था मेजर क्राइम्स क्या थे मरवान के मेजर क्राइम्स मुझे पता है हम सबको पता है एक्चुअली ही वॉज द वॉज डिटेस्ट मैन डिटेस्टेड मैन जब तक कि वो खलीफा नहीं बना ये मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस तरह के सैकड़ों हैं हमारे पास उसके बाद तो तानता ही बन गया ना हाँ। सिवाय उमर बिन अब्दुल अजीज के और हाँ। उमर बिन अब्दुल अजीज भी एज एन एक्सेप्शन टू द रूल आए थे क्योंकि ये जनरल रूल हो चुका हुआ था हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी की पूरी लड़ी से पहले कोई ऐसा वाक्य हुआ है जो ऐसा बंदा क्वालिफाई होना शुरू हो गया हाँ। इससे पहले तो कभी क्वालिफिकेशन ही नहीं हो सकती थी समथिंग एज है नाउ द एंसर लाइज इन द ह्यूमन साइकोलॉजी इन द ग्रुप साइकोलॉजी मैंने अभी कहा इसके बाद भी होना है यही मैं आपको बता रहा था ईसा के फौरन बाद इंसानों ने कुरान तक छोड़ देना है सो इट इज मोमेंटम जो अल्लाह के नबी नबीम से अबू बकर सिद्दीक से, से होता है उमर खताब बिगेस्ट फोर्स जिसने मोमेंटम को इतना बड़ा स्नोबॉल कर दिया था और रोल डाउन होना ही होना था और वो उन्नीस तक उसके असरा इतना बड़ा काम है ये जो जो भी बंदा उमर खताब को अंडरमाइंड करता ना वो मुझसे आके मिले कि 1924 तक एक इतना बड़ा स्नोबॉल क्रिएट किया गया है जो सारे के सारा समर कहाँ से ले रहे हैं उमर खत्ताब की डिसीजन मेकिंग से डीप ग्राउंडेड पिलर्स के साथ कि ये हिलने नहीं पाएगी इमारत और उसका वो यू नो बाय डिफ़ॉल्ट गिफ्ट तरका तरका लेते रहे मुसलमान अब चूंकि सिस्टम पहले से मौजूद था इसलिए जितने भी आप कुतुब तो पढ़ते हैं ना उसमें सिस्टम की तरफ जाओ सिस्टम नाफि करो वो किताबें नहीं मिलती आप जितना इस्लामिक लिटरेचर उठा के देखेंगे वो क्यों लिखें तो खरूज में आता है ऐसे किताब लिखना ही खरूज है कि इस्लाम का सिस्टम नाफिज है कानून इस्लाम के लगे हुए हैं खलीफा इस्लाम उसके खिलाफ मैं किताब लिखूँ मैं नया सिस्टम बनाता हूँ उसको भी इस्लाम ही बोले एक खलीफा को तो दूसरा खलीफा बनना ही खरूज है सो so, जब भी हम मैं ये बात करता हूँ ना तो तमाम तर सेक्ट्स जो कि किसी भी स्कूल ऑफ थाट की बात कर रहा हूँ नॉट uh, स्कूल ऑफ फिक जितने भी सेक्शन फैक्शन बोले यहाँ पे फैक्शन वो आते हैं कि यार आपको नया आइडिया लेके आ गए उन्नीस सौ चौबीस से पहले तो ये किताब मिलनी भी नहीं है आपको उन्नीस सौ चौबीस से पहले जाना हाँ। पड़ेगा पाँच में उस वक्त किताब मिली थी उसका नाम था कुरान जब आया जो चालीसवें साल में नबी नबील में उस वक्त कुरान क्या कह रहा था सिस्टम बनाओ अल्लाह ताला के नबी नबीसलम ने फिर उकबा की क्यों उकबा की मक्का में भी तो ये काम हो सकता था ठीक है अगर हमने खाली अपने अपनी कुटिया बचानी थी तो बड़ा आसान तरीका था मदीना की वजह कहीं और इज्जत कर देते हफशा भी तो गए ही थे ना छुप के रहना खानकाहें बनाना बड़ा आसान काम है आई मीन इट इज़ फार ईजियर देन सिस्टम बनाना हाँ. मगर अकबा की आप बैतवा फर्स्ट बैतबा सेकेंड आप दरा वो डिमैंड चेक करें हाँ हत अब्बास ने जो बोली हैं और उन्होंने कहा, है। कहा है कि आप गौर से सुन लो आज जो तुम ये लफ्ज बोल रहे हो इसकी कीमत भी बता दूँ तुम्हें किस बात की कीमत देर हैजू बी समर्ट ऑफ आर रेजिस्टेंस जो कि अभी हमने हमने अभी लड़ाइयाँ करनी है कीमत यह है कि तुम फिर प्रोटेक्ट ऐसे करोगे जैसे अपनी औरतों को प्रोटेक्ट करते हो बिकॉज वी आर नॉट गोना जस्ट गो इन गोइन लिव इन हाइड आउट्स ठीक है ये असाब काफ नहीं आ रहे हैं अल्लाह का नबी mm -hmm. आ रहा है mm -hmm. इधर गार नहीं खोलनी इधर पूरा शहर खोलना पूरी दुनिया खोल लिया हमने दिस इज सच अ बिग प्रोपोजिशन अब बात यह नहीं है इस वक्त क्योंकि ये हो चुका है उन्नीस तक का लिटरेचर हैज़ टू बी डिड ऑफ दिस फिलासफी

Allah के निजाम के ऊपर कानून नहीं बन रहे नीचे तुम जितना मर्जी क्वारंटीन कर लो एक घर को भी बच्चा भी नहीं बचा सकते क्योंकि तुमने कानून ही चेंज कर पाकिस्तान इज एन अमेजिंग केस स्टडी इस हदीज़ का एंटोनिम लेना अगर यह हदीस तोड़ दें अबू हनीफा की हदीस है यह अल्लाह के नबीम की नहीं अब हनीफा ने कहा आदम उम्रबाइश के अब तुमने खबाइश की माँ को जन्म दे दिया है अब वह बच्चे देगी देगी किसी का छोटा किसी का बड़ा किसी के दस किसी के छह अब हर घर के अंदर मसाइल देखे हर घर के अंदर मसाइल क्यों आ रहे हैं बिकॉज़ हमने इंतज़ाम इंतज़ामी अमूर गैरल्ला का रखा हुआ है और हम घरों में अल्लाह करें जब ये कानून निज़ाम अल्लाह का नहीं होगा तो जितनी मर्जी में मैं नमाज़ें पढ़ लूँ असरात तो मेरे ऊपर मेरी असल ने हमारी परवरिश हमारे माँ बाप नहीं करते ये नमाज़ सिर्फ़ इमरान खान करते हैं यह हमें मानना पड़ेगा इस इसका कॉमन सेंस थिंग इस डालते हैं रॉकेट साइंटिस्ट नो कि जो कानून है वही मेरी बाउंड्री है जितना स्ट्रेच करेगा उतना मैं स्ट्रेच करूँगा खैर हम तो वो भी नहीं करते हम तो उसको भी तोड़ देते हैं ठीक है ना सिर्फ सजाएं इवन जजाओं का कानून भी हमें आज तक मैंने एक लड़के से बात नहीं की कि जो इस्लाम में जजा का कानून मुझे बता सके क्योंकि दीन की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही हमारी और एक भी गैर मुस्लिम वेस्टर्न नॉर्वेजियन अमेरिकन लड़का यूनिवर्सिटी का नहीं है जो अपने अपने फलसफे के चाहे मार्क्सिज्म का हो चाहे कम्युनिज्म का हो चाहे कैपिटलिज्म का हो देता ही जजा के कानून है लोग अट्रैक्ट इसलिए होते हैं हम यहां पे सजाओं की तलवारें लेके बैठे हैं कितना कहाँ से हाथ काटूं कहां से गर्दन काटूं कितने कोड़े मारूं hmm. आप किसी भी एक औरत से किसी भी मर्द से पूछें शरिया चाहते हो तो अचानक डर जाएगा hmm. क्यों कोड़े नजर आएंगे इसलिए द प्रॉब्लम इज सेल्फ क्रिएटेड वी क्रिएटेड इट वी डिड नॉट प्ले आर कार्ड राइट ग्रामर गलत थी हमारी पर्पज बेशक जिसका भी ठीक हो गलत हो एक अलग बहस है द वे वी नरेटिव इस्लाम

जी वो मुझे पे जो जुल्म करेगा उसको सजा मिल रही भाई ये तो पहले तो आप पे जुल्म हो फिर उसको तो सजा मिलेगी आपको क्या मिला आपको हो आपको अचानक सी तसली मिलेगी कि आपके सामने आपके मुजरिम को सजा मिल रही इज नॉटरी याद रखिएगा इंसाफ की जरूरत आप पड़ती है जुल्म उजागर होता है मैं और आप एक दूसरे के साथ इस वक्त रहम और एहसान के अनवामेंट में रहते हैं राम और एहसान ना हो तब सुकून खत्म होता है इंसाफ तो बेसिक मैरिट है ना मैं बोर्ड के बाहर लिखा कि अंदर मुजरमों का आना मन है या चोर अंदर दाखिल ना हो तो आठ साल का बच्चा भी कह गया सर इस बोर्ड को लिखने की कोई जरूरत पड़ी है तो लिखा है ना आपने <laughs> कितने चोर आते हैं आपके पास <laughs> इसे इसे नेगेटिव कॉनटेशन टू रीड दिसका मतलब है इन सिक्योर हो चुका हुआ जब एहसान और राम की बातें हो रही होती है तो मुआरा पूरी तरह सिक्योर हो चुका सो so, जब भी हम कहते हैं ना और ये जितने भी स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं मैं मुस्लिम स्कॉलर्स की बात नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स की बात कर रहा कि जो है ना वो उनके कानून जो है वो वो भी बिल्कुल ठीक है कानून है मगर किसी भी एक नॉर्विजन को पकड़ेंगे आज जरा बताओ ना नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या और कवानी क्या उसको नहीं पता यू नो इट्स अ वेरी यू नो व्यू जो कि इस स्टडी में जाते हैं वी नो के द वे दे ट्रीट ईच अदर एज अ सोसाइटी वह रहम और एहसान के ऊपर आए में ये जजाओं की बातें हो रही है सारी ये सजाओं की बातें नहीं हो रही अगेन दिस इज़ टू मच ऑफ आर डिस्कशन आई डॉन्ट टू नो वॉट माई स्टैंड इज के मुसलमानों को मैं इसलिए हुसैन स्ल्लाम तक जाता हूँ डायरेक्ट कि हीज वाइट वॉज पे बटल ही इज द मैन वी नीड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ हिज फिलासफी अगर hmm. हम हुसैन पैदा करेंगे तब कहीं जाके इस वक्त का सिस्टम चैलेंज होगा मैं किसी और साहबी का भी नाम लू ना यू नो मैं मैं तो हर साहबी की स्टोरी सुनाता होता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट ए नामा प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट तो मुझे वो नफसियात जूत में डालनी होती है मैं किस मौके पर किस साहबी का बताना है मुझे मुझे उसकी ट्रेनिंग है बिकॉज दैट वर्कस रियली वेल बिकॉज पीपल कैन रिलेट जैसा ह्यूमन टू ह्यूमन हर जगह पर आप सीधा करेंगे ना तो नेचुरल ह्यूमन इमोशन जाता है यार कोई नबी तो नहीं है तो नबी तो यू नो वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते हालांकि ऐसा नहीं है अल्लाह ने कुरान में इसका आर्गूमेंट दिया हुआ है कि अगर मैं तुम्हारे इस पूरे मेट्रिक्स के अलावा कोई हस्ती ले आता तो तुम कहते यार ये तुम पे पूरे ही नहीं उतरता यार क्यों तो कुफार ने कहा था कि फरिश्ता क्यों नहीं आया आप से तो हम जैसे इंसान हैं तो अल्लाह ने उसका जवाब कुरान में दिया कि अगर मैं फरिश्ता ले आता ना तो ये कहते यार फरिश्तों की तो मेट्रिक्स ही और होती है हम पे तो कानून ही नहीं लग सकते सो सीरा ऐसे ही, ही देनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर हंड्रेड परसेंट एप्लीकेबल हो मगर हमें ये डिस्पोज मेंटली डिस्पोज किया गया कि वो अल्लाह के, के नबी थे वो तो अल्लाह के नबी थे तो वो तो उनके ऊपर तो अल्लाह का हाथ होता है तो वो, वो तो वो काम कर सकते हम नहीं कर सकते तो अली तो अल्लाह के नबी नहीं ना अबू बकर तो अल्लाह के नबी नहीं है और तो नबी नहीं दे एक्चुअली हेल्ड पोलिटिकल एक्मेंट था उनका उनका वर्ल्ड व्यू uh, दुनिया को बताता था कि वर्ल्ड व्यू कैसे लेना है ठीक है पीपल वेंट टू वर्ल्ड देम नॉट रैन अवे फ्राम देम पूरी दुनिया एज ऑफ इस्लाम के अंदर इसलिए आई थी बिकॉज दीज द मोस्ट कॉम्पिटेंट ह्यूमन बींग्स और हर कॉम्पिटेंट बंदे के पीछे में और आप आज तक भागें चाहे वो बिजनेस में हो चाहे सियासत में हो चाहे वो डोमेस्टिक uh, अफेयर <coughs> को मशवरा लेना हो तो हम कॉम्पिटेंट बंदे के पास जाते हाउस होल्ड के मशरे भी हम आम बंदे से नहीं लेते like तो आप कह हैं दुनिया के मशरे लेने में पहुंच जाओ एंड वी बैर एक्सेप्ट कि मुसलमान जो दाढ़ी वाला है वी एक्सेप्ट इट एज अ मुस्लिम दीज आर माई ओनली ट्रू ब्रदर्स बट दे आर द मोस्ट incompetent ऑफ ऑल इनकी परफॉर्मेंस जीरो है आपको खुद भी हायरिंग करनी पड़ती है ना किसी भी प्रोफेशनल कंपनी में तो आप सैंपल लेके देख लें एलोकोस दूर की बात है ठीक है टेक्निकल कॉम्पिटेंस के अंदर ही माड़ा होता है hmm. मौलवी का तो मतलब ही लो परफॉर्मर हो गए दुनियावी अफेज़ में आप अगर दीन का मतलब ही बदलेंगे तो दीन ही में भी इन इंक, इंक, हालांकि वो सुपर कॉम्फिडेंट होगा एक बुक रहती बट वो किताब के ऊपर जिस लफ्ज की किताब है दीन की उस दीन का मतलब ही कुछ और लिखा हुआ है उसमें कॉम्पिटिट होना है इसलिए प्री नाइनटीन ट्वेंटी फोर लिटरेचर की अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ हमारा निज़ाम अपना थाजतला so uh, mm -hmm. तो मैं कहूँगा किस्टम uh, वही है आज उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है what, okay. what's the, मेरे और आपसे उस हुसैनी सोच का तकाजा क्या है वट डू आई डू वैन आई गो बैक हुसैन इस्लाम इज नेचुरली ये याद रखिए ऑर्गेनिकली द मोस्ट अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू एंड आई नीड दैट वन मैन टू स्टैंड फॉर मी यू एंड आई नीड अ पर्सन हु इज गोइंग टू वॉल्टरली कम इन एंड गिव इज लाइफ फॉर वट आई रिक्वायर

ही स्टूड अप कि मैं करूंगा वॉल्टरली इवन तो अपने कबीले के खिलाफ अपने कबीला क्या पूरे अरब के खिलाफ चला गया था वो बंदा अपने मजहब के खिलाफ चला गया था कि मुझसे नहीं ये ना इंसाफी बर्दाश्त हो रही ठीक है हुसैन इस्लाम क्यों मोस्ट अट्रैक्टिव है बिकॉज ये आप ऑर्गेनिक पैटर्न चेक करें हमारी फितरा के अंदर ये पैटर्न है और ये फितरा मैंने प्रोफेसर से, से प्रूव कर रहा हूं कि हिलफुलफूल क्या थी एक बंदे को लूटा गया था और क्या लूटा गया था फ्रॉड हुआ था पता भी नहीं चला था मार मार के नहीं लूटा गया था डील ऐसी करके पैसे नहीं दिए थे उसको सो, सोचिए उसकी पिटाई hmm. नहीं हुई थी छह बंदों ने आके मारा और लूट के चले गए ही स्टूड इन द काबा किधर गई अरब की गैरत ठीक hmm. है इमेजिन करें एक स्ट्रेंजर के पीछे अरब के बंदे इकट्ठे हो गए और उन्होंने अकेले में डील की उसको प्रूव करके क्या कर लेना था उन्होंने सो हुसैन इस्लाम इज द मोस्ट हीरो दैट वी हैव बिकॉज वी डिमेंड दिस आज भी लाहौर की और कराची की सड़क पर एक बंदा खड़ा हो जाए ना कि ये मैं ना इंसाफी नहीं होने दूंगा ठीक है और ये हिस्ट्री ऑफ आदमी सलाम के पहले बेटे से लेके आज तक हम हुसैन ही ढूंढते हैं देखें अबू बकर प्रोड्यूस करने ना, तो आपको मोहम्मद बनना पड़ेगा हुसैन टू रे दुसैन ठीक है हुसैन इज आर ब्रांड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउसाइकोलॉजिकली डीप लेवल साइकोलॉजिकल डिमांड है मेरी मैं आपको फिर बता दूं औरत भी खड़ी हो जाए ना आदमियों के दफा में वो भी ऑर्गेनिक डिमांड में पूरी उजरते कि यार ये कितनी जरी किस्म की इसने हरकत की है तो फुर सोचें अल्लाह ने एक नेशनल प्रोटेक्टर आदमी को बना के रखा हुआ है नेचुरल प्रोटेक्टर है हमारी गैरत लग जाती है हम अगर, अगर अपनी अपने कुंभे का दफा ना कर सक रहे हो हम अंदर ही मर जाते हैं नॉट जस्ट अ वर्चुअल डेथ उसका मतलब है फित्रा भी यही बोल रही थी कि भाई कुछ नहीं होगा हुसैन इस्लाम काबे के बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे जब जा रहे थे कि क्या मैं खता में हूं या खतरे में हूं ओ अरब मुझे बता दो मैं खता में हूं या खतरे में हूं उन्होंने कहा वो खतरे में है खता में तो नहीं तो इसे कौन से मेरे नाना के दीन में तुमने ये देखा है कि खतरे को छोड़ के खता की तरफ चले जाओ ये कौन सा दीन तुम्हारे तक पहुँच चुका है एंड यानी सर आई इन फ्रंट ऑफ यू क्या तुम अपनी इस्लाम को छोड़ो जहली अरब की भी गैरत को भूल गए हो जो तुम्हारी नसों के अंदर जीन्स के अंदर है कि मैं जा रहा हूँ और तुम लोग यू नो यू जस्ट सेटिंग मी गो क्या हमने साथ जाएंगे और अपने अपने, अपने घर पर चाह रहे हो सो so, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ अल्लाह की कसम आज कुछ भी वाक्य होता है नवाज़ शरीफ की तरफ से इस वक्त उसकी हुकूमत है इसके जिसका नाम ले रहा हूँ इमरान खान होता है उसका नाम लेता कि अगर दो नंबरी आई है और उसका अफेक्ट मेरे और मेरे बच्चों पर आ रहा है और एक बंदा खड़ा होकर स्टैंड ले हम सब उसके पीछे खड़े हो जाएंगे

साहिद भाई इस पर एक पार्ट हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से एक मुख्तर सा सवाल है कि जब आप ये हुसैन स्ल्लाम का वाक़ बयान करते हैं तो ना जाने वालों में से यू हैव पीपल लाइक अब्दुल्ला बिन उमर रजी तु और बड़े बड़े और भी साहबा हैं सो यू नो एंड ये तो कि कौन सही था कौन नहीं था वे बट वेन वी लुक बैक एट हिस्ट्री राइट हम एक को जब हीरो भी बनाते हैं तो हम दूसरे को डीमेनाइज नहीं कर सकते इस्लाम का फलसफा बहुत आसान है जब तक कोई चीज़ डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोफिटी वसम नहीं होगी तो हम किसी भी सहाबी को नबी नबीम के दर्जे पर नहीं रखेंगे बिल्कुल oh, okay. सौखे हिसाबा से भी खताएं हो सकती हैं कोई बात है। नहीं जो उन्होंने काम कर दिया है उनके एसानात तले क्यामत का आखिरी पैदा होने वाला बच्चा भी रहेगा वो अगर सदीक से लेके अब्दुल्ला बिन जुबैर तक जो आखिरी लड़ाई है जहाबी यूज के खिलाफ उनके एहसाना हम जो मर्जी कर ले चुका सकते मगर वो नबी नहीं है ओके हुसैन स्लम के टाइम पे ये अगर आर्ग्यूमेंट जहन में आए ना कि बाकी के सहाबी गलत और हुसैन से जी हाँ ये हमें कहना पड़ेगा कि यस एट दैट टाइम वी हैव इट्स अ मुस्लिम ड्यूटी टू से कि भाई दोनों पार्टी सही नहीं हो सकती कोई बात नहीं उन्होंने गलती होगी आई नो इट्स इट्स अ प्रॉब्लम इट बिकेम अ कैटास्ट्रोफी बट इट डज नॉट लोअर द रैंक्स ठीक है मैनी हैव मेड मैनी मिस्टेक्स इन देयर लाइफ इट टू और इज ह्यूमन आप कभी भी ये वाला ब्लैंकेट अप्रूवल एक सहाबी को नावज़ बिल्ला ये तो हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है कि हम नाउज़ बिल्ला साहबा को मासूम करना शुरू कर दें साबा मासूम नहीं अब मेरा मेरा तो अकीद ये है कि ये जो अल तशीम का कॉन्सेप्ट है ना इसमत का ये मैं मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ मैं तो इसको कुरान के और पुराने अम्बिया की भी तमाम तनाइज के ख़िलाफ़ मानता हूँ कि इंसान ख़ता कर सकता है और कर ले तो कोई बात नहीं कोई इतना बड़ा कोई कहर नहीं आ गया इंसान वो अल्लाह ने तौबा के दरवाजे भी खोले हुए हैं अल्लाह ताल ने खुद सेल्फ कथार्सिस अब हमारे अंदर पैदा किया हुआ है एक ही तफसील जाए बगैर मैं कोई ऐसे अलकाब भी नहीं यूज करना चाहता जो किसी की दिल आजारी हो दिस इज मुस्लिम क्रिटिकल ड्यूटी टू से यस इफ हुसैन इज राइट देन एवरी वन हैज बी रॉन्ग इट इज अ ड्यूटी इट इज नॉट ऑप्शन है नो नो इट्स आई एम ओके विद दिस माय क्वेश्चन इज स्लाइटली बियॉन्ड दैट कि यू नो कि मैं उसको आज के दौर में लेके आता हूं हूँ जिससे प्रॉब्लम दे रहा है एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं जिसके जेन में भी, भी हल्का सा कीड़ा आएगा या तो साद बिन उबादा ठीक थे या फिर अबू बकर सदीक ठीक थे दोनों ठीक नहीं हो सकते तो साद बिन उबादा भी, भी साहबी हैं एक्चुअली उकबा के साहबी अच्छा मैं मैं उसी उसको एक नहीं, नहीं, मैं ये बात ना कहीं आगे पीछे ना हो जाए मैंने इस वक्त पकड़ के रखा एक खास न्यूरॉन को वो न्यूरॉन इन तमाम ऑडियंस को पता होना चाहिए सात बिनोबादा को पहले पढ़ लें जिनको नहीं पता तो उनको तो छोड़ दें आप लोग फिर, फिर किताब करें फिर इस डिस्कशन में सात बिन उबादा भी खलीफा के लिए कंटेंटर है हो चुकी हुई है <laughs> अंसारी लाइन में कर ठीक है एंड मोर देन थ्री हंड्रेड द आवाज और उमरखब ने हर उमर अबू अगर सदीक का हाथ पकड़ा हुआ एंड ही अबूकदीक बिकॉज ही हु इस्लाम का रूल है ही क्लेम्स इट इज़ डिसक्वालिफाइड ठीक है अब साहब नबादा ने भी क्लेम तो नहीं किया उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक लजिसलेशन दिया कि मेरा मैं शहर का हाकिम था मैंने अल्लाह के नबीम के एज़ अ प्रोफेसर इसलम उनको मैंने अपनी माँ बाप से ज़्यादा अजीज रखा मैंने अपना शहर किया अपना पूरा का पूरा रैंक सब कुछ कुर्बान किया मेरा नबी आ गया मैंने नबी को दे दिया अब नबी चले गए अभी मेरा शहर मेरा वापस दे दो इट वॉज इंपल क्लेम एंड इट वॉज वेरी ओके विद अनसार ठीक है आप पहले भी आप ही सरदार थे तो अभी भी आप ही सरदार होंगे hmm. ठीक है सो so, जब अबू मकर अबू अमो ख़ताब इन दिस केस कन्टेस्ट फॉर और बिहेव अबूकर सो बोथ के नॉट बी राइट अब दोनों का कॉरल हुआ है लिटरली यू नो इट इज आप आ गए तो आप ले लें ऐसे हुँ. नहीं हुआ ओके okay? सो so, ये अहल तशे हिस्ट्री नहीं एल सुनत हिस्ट्री बता रहा हूँ सो so, एल एक्चुअली एल एहल तशही हिस्ट्री थोड़ी सी अब प्रोसादा साधा जाती है सो so, मैं वो क्यों बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता सर हम तो आ, आम मुसलमान हैं सहाबा के आपस के मुसलमान हैं आम मुसलमान क्या होता है मतलब क्या क्यों छुपा रहे हो हक़ को अबू बकर सदीक ठीक थे भाई उन्होंने जो लॉजिक दी है उसके बाद हजरत बिन उबादा को गलत कहना मेरा इस्लामी फरीजा है मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता था अपने बच्चे जब जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ सही नहीं है वो गलत है और साथ बिन उबादा ने अंसारियों ने वो गलती मानी और उन्होंने उसी वक्त हजरत अब सदीक को बैठ दी अब यही एनालॉजी हुसैन अलैहिस्सलाम के टाइम पर लगाएंगे आप कि दोनों पार्टीज़ ठीक नहीं हो सकती और साथ बिन उबादा को दर्जा कम नहीं होता ना उस और जो भी मुझे मिला आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला एक्सेप्शन थी इस्लामाबाद में एक्सेप्शन दे रहा था और वो साधु ना वो नौजिले का नहीं दे रहा था ना सुन ये कौन सा न्याय फिर क्या यार जिसमें साथ भी हो तो जिन्होंने उसको कत्ल किया तो ये किया तो वो किया और वो ना सिर्फ तुझे तो पता भी है अखबा के साहबी की बात कर रहा है मतलब जिसके ऊपर वो विचारते हैं कि जो बदरी साहबियों से भी ऊपर कर कराय कर रखते हैं बदरी साहबी भी एनवी करते थे कि यार ये वो लेवल ले गए हैं कि जो जो मतलब अल्लाह ताला के महबूब तरीन बंदों में से ये मुकर्रबीन अगर किसी ने ढूंढने हैं तो उकबा के हिसाब और उसके बावजूद आ, हम यू you नो know, किस जब यू you नो know, परवरजन आती है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं सब पर हम सहेंगे इस कि जब आपको बच्चों को फुरकान बिठाना पड़ता है ना तो वो सिर्फ अल्लाह के नबीम के दीन के ऊपर फ़ुरकान बिठाएंगे कि कोई भी गलत हो सकता है भाई नबी सल्लम करीना अकेला और हुसैन या तो फिर साहब ठीक हैं तो फिर हुसैन गलत है ही शुड नॉट हैव डन इट बट मेरे पास हम सब के पास रिटन लिटरेचर है कि सब ने कहा था ग़लत तो आप नहीं है मैं आपको बुखारी की हदीस सुना देता हूँ बालबल मुस्लिम की है आ, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की जाबिर बिन अब्दुल्ला उम्मे सलमा के पास आए हैं ही वॉज ऑन अ ट्रिप जब हुसैन सलाम निकल रहे थे हुसैन स्ल्लाम हैज़ लेफ्ट जाबिर बिन कम्स और उम्मे सलमा से कहा कि तूने हुसैन को किला छोड़ दिया तुम सब ने एंड रीड मैं नहीं बोलूंगा आप खुद पढ़े मैं हदीस में सलमा ने जाबिर रब्ला से को क्या लेक्चर दिया कि तेरे पास दो चॉइस चॉइस हैं तेरे कबीले के जो बंदे हैं इस वक्त देख लिया वो कौन है कहाँ पर हैं किस हालात में हैं और दूसरा जैसे तूने जाना है पीछे तेरे कबीले के साथ क्या होना पहली चॉइस ये है दूसरा वाकई दीन खतरे में है दीन खतरे में तू जा तो आप खुद पढ़ें मैं तो आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूँ इधर मैं यहाँ पे ना कोई फकीही किस्म के क्लेम रखा हूँ ना ही मैंने कोई कोई फतवा इशू करना है कि इस वक्त कौन सही कौन गलत है सोचना कैसे है करीना कैसे बिठाते हैं फुरान क्या है वह सिर्फ और सिर्फ हमें अपने औरिजिनल मुस्ंद लिटरेचर से ही लेना चाहिए सो so, वो मेरे बिहार पर आप उम सलमा रजीहा का वो पूरा का पूरा हदीस का मतन पढ़ लें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ उन्होंने <laughs> लिटरली बता दिया कि वी नो चॉइस दस सेज हमें पता है कि ऑबियस चॉइस किया है मगर हमारे ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर you know, where वेर एवरी वन didn't accept it एक्सेप्टेड उमर she didn't accept एक्सेप्टेड शी सेट कि मुझे पता है कि तू किस बोझ के अंदर भी आने वाला है वो बोझ किस चीज़ का होता है हक का तो कोई बोझ नहीं होता कॉम्प्रोमाइज का बोझ होता है ठीक है सो इस बारे में जितनी भी बहस करेंगे नतीजा एक ही निकलेगा कि दोनों में से कोई एक पार्टी चूज करनी पड़ेगी सो so, अब आए बात के आप साहबा की साइकोलॉजी को समझें हर जगह के ऊपर अब्दुल्ला बिन उमर ही को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला बिन उमर को एक लाख जन्म आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं हदिया है अगले दिन आता है बैध करनी है आपने ये मैं बुखारी सुना रहा हूँ आपको और तो वो कहते हैं कि अच्छा ये कीमत थी बैध की रखो वापस पैसे भाई तूने कौन सा दिन निकाल लिया ये पैसे दे बैठे खरीद रहे हो ठीक है सो हमें वी नो इट्स मैं वो शिया सुनी डिबेट में या इस तरह की डिबेट में तो मैं ना जाता हूँ और ना मैं किसीयों को गलत कहता हूँ वो भी मेरी पावर है मुसलमानों के सिस्टम में और सुनी भी मेरी पावर है मुसलमान मैं ना कुल्ले देखता हूँ ना मैं ये ये जो स्कूल ऑफ थाट और ये जो सेक्शन है ये मैं इनको देख मैं देखता हूँ कि जो बंदा दीन के लिए वो शिया है तब भी आए दीन नाफज करना भाई हमने ये बाद में लड़ाइयाँ करेंगे बहुत छोटी लड़ाई हैं दीन की सबसे बड़ी लड़ाई है इस वक्त हम पे गैर अल्लाह का दीन नाफिज हुआ, हुआ है इस्लामी जमहूरिय पाकिस्तान में ठीक है और हम बैठे हुए क्या तेरी बड़ी कलर कौन सा है ये उनकी सबसे खूब सबसे ज़रूरी शिक है कि इनको आपस में लड़ा के रखो ये सबसे मतलब उसके लिए तो वो प्लान भी नहीं करते कि ये तो एक बस हमने एक शोला डालना है बाकी सब कुछ इसके तो पैसे भी नहीं लगा रहे वो पहले लगाते रहे वाइवे फिफ्टी सिक्सटीज बड़े बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट हुई हैं कि शेयरस को सुनीज के साथ लगाओ सो so, मैं नहीं चाहता कि मेरा एंगल से कोई ये कन्फ्यूज़ हो कि अच्छा साहिल साहब आपके वो प्रो शिया वो है वायदे भाई हुसैन सामान को जो भी नाम लेते है और बोल दे वैसे ही मेरे पे शेयर टाइग लग लगता है जहालत की हालात ये हो चुके हैं अब कहानी ये है कि आप शिया हैं आई नीड यू और आप तो वैसे भी हुसैन हुसैन करते रहते हैं आए नजरा टाइम आ गया जो चीज़ों को चैलेंज करने का ठीक है मगर इन चार कैपिटल के बगैर हवाई चैलेंज नहीं करने अगर आप पोलिटिकली साउंड नहीं है आपका आई क्यू डिवेलप नहीं किया गया जिसका मतलब है कि आपका वर्ल्ड व्यू नहीं बनाया गया दीन को पहचानते नहीं आप आप अगर मॉरली करेक्ट नहीं है ठीक है और आप फाइनेशली यू नो बिल्डअप में नहीं है तो आप इस आयत के ऊपर ही नहीं पूरे उतर सो मुझे वो टरी ड्रा करनी है कि किस तरह के सोशो इकोनॉमिक क्लास को के ऊपर लेके आना है किस तरह के आई ड्राग, क्यू आना है जनरल hmm. लड़कियों का और लड़कों का आई क्यू कैसे बढ़ाना है ये जो बच्चे हैं इस वक्त तीस साल में दे विल बी इन द मोस्ट एक्टिव एज बिकॉज उनके बच्चे यू नो एडोलेसेंस से गुजर रहे होंगे उस hmm. वक्त हुसैन की ये सुनाता हूं कि एक बच्चा नहीं है अरब का जो मगाजी बिना ट्रेन हुआ हो hmm. सोचे hmm. हम किस चीज पे ट्रेनिंग करते हैं सो मैं क्यों आपको यह बता रहा हूं कि आपको पता हो कि सीरा पढ़ेंगे और इन चार कैपिटल को ढूंढेंगे तो हर सफ़े में मिलेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपने मुंह मुबारक से डिमांड है साहबा को इन चारों कैपिटल्स की मैं आपको लिटरली कोट कर देता हूँ एक नहीं बिश्तर हदीस कोट कर देता हूँ तो मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ यू जस्ट हैव टू वेयर द राइट लेंस जिसका मतलब है दीन का मतलब आपका निज़ाम समझते हूँ जो कि अल्लाह ने कुरान में बताया है कि यूसुफ यूसुफ़ल के भाई को मिस्र के बादशाह के दीन में अलाउंस नहीं थी एंटर वीजा नहीं था इशू होता होम मिनिस्ट्री ऑफ इजिप्ट दीन है कुरान पाक में दीन है मिस्र के बादशाह का तो वो क्या नवाज़ें पड़ता था <laughs> या वो बुद्धिस्ट था या उसके दीन का क्या मतलब है कि वो उसके मजहब में रजूसफ के भाई को अलाउ करना मतलब ये क्या इसका क्या मतलब है इसका साफ मतलब है कि भाई वो जो कानून बनाए हुए थे उसने उस कानून में बैन लग गया था यूसफ असलम के भाई का ठीक है इस कुरान पाक की आयत ऐज ही सुना रहा हूँ और फिर दावा को ऊपर चलता है कि जब भी आप कहते हैं ना कि कुरान पाक में दीन का लफ्ज़ मैं आपको आयतें सुनाऊँ और अभी आप गूगल करें टॉप तर्जमे दीन के नीचे इंग्लिश में फेथ लिखा हुआ है वाई वो डाय नॉट कराई योदी ने लिखा है किसी योदी ने नहीं कुरान का तर्जमा करके हमारे घरों में पहुँचाया ये मुसलमानों ने लिखा हुआ आप अभी गूगल कर लें अभी टेस्ट कर लें आप कोई सूरत निकाल लें कोई आयत निकालें दीन का लफ्ज़ निकालें नीचे लिखा होगा फेथ फेथ की hmm. अरबी ईमान होती वी नो दैट दीन की अरबी फेथ ईमान नहीं होती वी ऑल्सो नो दैट ये किसने लिखा है फेथ ये कहीं पर डेफिनेशन चेंज हुई हुई है एंड जब हम इस डेफिनेशन को करेक्ट करेंगे इतना सा साब एक क्यूब का ना एक एक हिस्सा हिलाना है क्यूब अपनी शेप में आ जाए और ये है मुस्लिम आइडेंटिटी उसके नाफज करने के लिए दुनिया का कोई भी दीन ले लें ये चार कैपिटल पे ही होता है ये हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम का हिस्सा है हम डिज़ाइन वे वाइड इन टू के दिन नाफज करना है तो भाई सबसे पहले ताकत आपके पास होनी चाहिए आपके पास आई होना चाहिए आपके पास ताकत को मेनटेन करने की पोलिटिकल एक्यूमेंट होना चाहिए नहीं। नहीं। बनाने की भी और मैंटेन करने की और आपके पास रिसोर्स होनी चाहिए से, इसको अगर आप करंट सुनारी में लेके आज तो मैं कहूँगा कि साहर दीन साहब एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो वगैरह के डीत

Uh, साइल उदीन ट्रेन करेगा और उनको वो नई डेफिनेशन देके कन्विंस करेगा या यू थिंक समहािंक वो आपकी डेफिनेशन पे कहीं रीप्रोग्राम हो सकते हैं बिकॉज देखें जब ये कन्फ्रंटेशनल माइंड सेट है ना कि से वो इतने सालों जब कन्फ्रंटेशन होती है हीट प्रोड्यूस होती है हीट डिसमिनेशन की स्कोपिंग बढ़ जाती है द मोर मैं इंग्लैंड की एग्जांपल देता हूँ लंदन माय फर्स्ट एंट्री काम एंड कलेक्टेड एवरीथिंग यू नो पीपल केम इन दे लिस्ट आई रही इवन नो कि भी क्या होने वाला है अभी मेरी मैनचेस्टर ट्रिप थी मैनचेस्टर की मस्जिद में द पाकिस्तान से आया है दज, पाकिस्तान से द आ चुका है फतवा हो गया मस्जिद वालों ने कहा कि मेरे मस्जिद में बयान था जैसे पहले आप, आपका अकीदा टेस्ट करेंगे फिर आने देंगे ऐसे कर लो अकीदा टेस्ट मुझे क्या है तो कोई <laughs> तो मसला नहीं मुझे तो पहले फ़ोन आया फिर अकीदा टेस्ट हुआ कि आप अकीदा आपके सवाल होंगे कहा क्योंकि नया कोई सवाल तो नहीं है अकीदे का हमें भी पता अकीदे के कौन से सवाल हैं उनको पूछें ये दीन का मतलब आपने कैसे लिया है मैंने कहा ये कौन सा अकीदे का सवाल आपने पूछा है मतलब ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि अकीदे के सवाल में आपने दीन का मतलब आप कहते हैं कि क्या मत आ चुकी है <laughs> <laughs> आप आपके अकीदे का टेस्ट तो पहले होगा ना मैं कि पहले तो ये टेस्ट करें कि आप अकीदे का टेस्ट कैसे करते हैं क्योंकि ये तो अकीदे के सवाल ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको जो आप मुझसे पूछ रहे हैं नहीं आपने मोलियों के खिलाफ आपने कैंपेन की हुई है ना ये भी अकीदे का सवाल नहीं है सर मोली के खिलाफ जाना इस्लाम से फारिग नहीं करता आपको आपने उलमा के खिलाफ कम कौन से उलमा के खिलाफ बात की मैंने मुझे बताएं अब आप मैं आपको बताता हूँ आप सब मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं अभी आपकी कॉगनेटिव डिसनेस्ट में अभी टिकर कर सकता हूँ कि उलमा के खिलाफ मैं नहीं हूँ एक्चुअली मैं यू आर ऑल ऑफ एस वर्ल एम आर ट्रेंड अगेंस्ट उमा कराम होता क्या है मेरे पास चार अलग अलग फ्लेवर्स के रेजिस्टेंस आते हैं विच आर यूज बाय द वे ओके मैं आला हजरत सैयद अहमद रजा बरेलवी रहा के बारे में जो स्टैंस रखता हूं आधा पाकिस्तान कहाँ पर जाता है सिर्फ बरेलवी कहते हैं यस क्या बात है हमारा भाई है जैसे मैं जुबैरजई रमतुल्ल की पूरी की पूरी फिलोसॉफिकल इंसर्शन करता हूँ बाकी का आधा कहांप जाता है एल एडीज कहते हैं यार ये हमारा भाई है ठीक है फिर मैं अशरफ अली थानवी को बरमला सबसे ज़्यादा मैं कोट करता हूं अशरफ अली थानी को एक्चुअली वर्ड टू वर्ड कोट करता हूं ठीक है उनसे भी ज़्यादा खैर मौलाना साहद को कोट करता हूं मैं बिकॉज दैट्स वो आई थिंक इज स्टिल द मोस्ट पोटेंट लिविंग फिलासफर ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी मौलाना साध कहता हूँ मौलाना साहब बट ही इज ओनली नोन इन सर्टन फैक्शन सो बट मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बॉडो करके आगे यूथ में ट्रांसफर हूँ विदाउट इन सेंगे बिकॉज मुझे पता है यूथ को पता चलना है देवबंदी है ऐसे आउट हो जाने सारे hmm. समझ रहे येमा के खिलाफ ट्रेनिंग की बहुत पुरानी स्कीम है मैं वायद बन रहा हूँ जो मौलाना इसहाक को अपने माथे पर लगा के चल रहा हूँ इवन hmm. दो एल एज अगेंस्ट इम जो ने तो अगेंस्ट होना ही होना है उसकी और बरेलियों को तो वो वैसे ही दिल लगता है सो ये मैं नहीं हूँ उनके खिलाफ मैं मोलियों के खिलाफ मेरे से ज़्यादा मोलियों को नाम मिलता मसला ये मैं हर मौलवी का ले लेता हूँ नाम और जब मैं हर मोलियों का ले लेता हूँ तो आधे इधर से खिलाफ होता है इधर से खिलाफ होता वन फोर्थ तो मुझे कैच मिलता है वन फोर्थ का बाकी के हिसाब में दजाल हो जाता हूँ सो होता क्या है चूंकि एक फ़ायदा हुआ है हम सबको जो कि बहुत बड़ा नुकसान है मगर इस वक्त डेमोग्राफिक ड्रेन और जो बेसिन क्रिएट हुई है उसमें फ़ायदा ये हुआ है कि मौलवियों ने पोलिटिकल चूंकि दीन का डेफिनेशन पॉलिटिक्स थी ही नहीं तो इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं की कभी मैं आपको मिसाल देता हूं आप में से कोई देवबंदी है इधर जो कहता होगा देवबंदी ठीक है देवबंद असल में एक पोलिटिकल तहरीक थी एवरीमन नोज इट आप मुझे बताएं आज किसी देवबंदी यूथ को पकड़े और कही पोलिटिकल तहरीक तो कहेगा ये कैसी बातें कर रहा है देवबंद वॉज द बिगेस्ट गिफ्ट जो कि मुसलमानों को सब कॉन्टिनें मिल जाएगा भाई तहरीक में आओ शबा शाम सियासत है जो भी रिएक्शन था पावर मुझे भी पता कौन सी थी उस वक्त हमें गोरों का राज था हमें जो जरूरत थी पॉलिटिक्स की उस वक्त देवबंद वॉज एन एसेट उसका प्रोडक्शन का आउटपुट क्या मिला अफगानिस्तान नाउ आई कॉल ऑल देवबंदीज कि भाई अब तुम्हें मुल्क मिल गया मगर तुम दीन का मतलब मजहब ले बैठे हो अदरवाइज देवबंद का क्राउन ज्यूल अफगानिस्तान इस वक्त अगर वो पोलिटिकल तहरीक होती तो मगर कोई कहता है अफगानिस्तान देवबंदी मुल्क है ना अफगानिस्तान अफगानी मुल्क है नो तालिबान का मुल्क है क्योंकि तालिबान एक पोलिटिकल तहरीक है समझ रहे हालांकि देवबंद का क्राउन ज्यूल बनना चाहिए था कि यू नो नाउ वी हैव अ कंट्री नाउ वी कैन इंस्टॉल अ सिस्टम नाउ पॉलिटिक्स विल बी डन द वे पॉलिटिक्स शुड बी डन कि हम मॉडल बना के पूरी दुनिया को दिखाएं कि कानून जब नाफिज होता है तो बरकत कैसे आती है और की कर रहे हैं mm -hmm. वो स्टेप बाई स्टेप आई डोंट अग्री विद ऑल ओवर डूइंग बट आई थिंक देवबंद स्कॉलरशिप शुड ऑल है हमारे पास एक मॉडल विलेज आ गई है इसके अंदर शरा से लेके तजकिया कानून से लेके एथिक्स सारे के सारे कोर्डर पूरे करो पैसे लगाओ रिसर्चर्स भेजो यूनिवर्सटियाँ खोलो तो फैक्ट्रियाँ खोलो आर्मामेंट्स की फैक्ट्रियाँ खोलो बाहर तो तीसरा फिर कोई और हमला ना हो जाए इधर फ़ौज बनाओ इधर यू नो इधर अवाम बनाओ इधर इधर एक्यूमेन बनाओ खातन का और मर्दों का एक्यूमेन ऐसा हो कि दुनिया इस तरफ की तरफ मदीना मिल गया ना हमें अब मदीना बरेलीओ को तो नहीं मिला यहाँ पे अफगानिस्तान में देवबंदियों को मिला है दीन का मतलब ही नहीं है ना इंडिया में ना पाकिस्तान में ना बांग्लादेश में ना अमेरिका में आपको पता है इंग्लैंड में भी वही है पाकिस्तान वाले हालात ये जो वही स्ट्रीट है तो ये नहीं। 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 स्ट्रीट है ना लाइक ये वाला आप मतलब पाकिस्तानी इंग्लैंड आ गया है ठीक है मगर पाकिस्तान इंग्लैंड पाकिस्तान नहीं निकाल सका हम अपने अंदर से मतलब क्वीन विक्टोरिया ने जितने मर्जी दो दोनों अफरी उसने अपना सिस्टम बनाया था उसका दीन था

मावी मामरा हैपन्ड एक पूरी कश्ती को फलस्तनी बच्चे थे उसमें तीन सौ बच्चे काफ़ी सारी औरतें मिज़ाइल से फ्राई कर दिया गया एवरीबडी वॉज क्राइम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है मावी मामरा क्या हुआ दैट्स वैन आई स्टार्ट इन मेकिंग एवरी सिंगल मूव ठीक है इट वॉज़ द बिगेस्ट अट्रॉसिटी गूगल करें रिसर्च करें मोर देन फाइव हंड्रेड यू एस सोल्जर्स स्ट्रिप्ट ऑफ देर यू नो रैंक्स के रिज़ाइन किए कि भाई हम हम इस जुल्म का पार्ट नहीं इतना गंदा जुल्म कर बैठे हो दिस इन व्हाट ईयर लाइक दिसन देख लीजिएगा एग्जैक्ट डेट क्या है आई जस्ट यू नो मैं तो किसी और ही हर मुसलमान किसी और डिप्रेशन में चला गया था क्या वो हम क्या जाना थे गैर मुसलम चले गए थे ठीक है कि भाई आप देखें अमेरिकन फौजियों के उस वक्त के बैनात ओपन पब्लिक में फॉक्स न्यूज़ पे देखें फॉक्स न्यूज़ जैसे चैनल के ऊपर अमेरिकन फौजियों ने आके किस किस तरीके से लॉजिकल एलोक्वेंट बयानात दिए कि भाई बस अब हमें पता चल गया हक और बातिल का अब इसे आगे नहीं हम जाएंगे दैट्स व्हेन आई एक्चुअली वाज ट्रांजिटिंग इनटू कि मैं पाकिस्तान से करूं या कनाडा से करूं पाकिस्तान से करूं कनाडा अनदर मुस्लिम uh, स्कॉलर मेरे उस वक्त के उस्ताद थे उन्होंने मुझे पुश किया कि तू पाकिस्तान से कर तेरी जो ग्रामर है ना वो पाकिस्तान में ज़्यादा अफेक्टिव आएगी ठीक है उर्स कैनेडा में उस वक्त लेस दैन एट हंड्रेड थाउजेंड मुस्लिम से टोटल मिला के तो hmm. वैसे भी इट वज़ नॉट द इन या तो इंग्लैंड ऑप्शन होनी चाहिए थी या पाकिस्तान या एटलीस्ट मुस्लिम कम्यूनिटी को तो चिगाना है सो so, एंड आई के मीन वैन आई स्टार्ट आई आर आई वज प्रपेयरिंग वर्स के स्टार्ट दूँ फ़लस्तीन का बताऊँ यू नो क्या चल रहा है यू नो यू नो यो देट बोरिंग टेक्निकेटिंग फर्स्ट एजुकेटेड ऑन बेसिक्स फर्स्ट मगर यू नो आई फाउंड आउट कि यहाँ पे तो फलस्तीन का तो नक्शे भी नहीं किसी को पता कि फलस्तीन की तरह दैट्स वैन आयर्स थिंक क्योंकि ये ये तो कॉल ही कुछ हो रहा है हम तो बीमारी कुछ और समझ रहे थे हम समझ रहे थे कैंसर है ये तो एड्स है mm. ये तो मसला ही कुछ हो रहा है मतलब इट्स अ टोटली डिफरेंट वॉल्ड गेम दटन आयोर्स शॉकड you know, uh, shocked into कि भाई बेसिक्स सबसे पहले रियलाइज़ कराओ। गोरों को अपने दीन का पता है मजहब का कुछ नहीं पता उनको दीन का पता है उनको दे डोंट केयर अबाउट द बाइबल मगर दीन का पता। और बाइबल के फॉलोअर्स दीन नाफज कर चुके हैं सोचें ज़रा सेंट पॉल का फॉलोअर दीन नाफिज कर गया अपना mm. और मोहम्मद का follower दीन नाफिज नहीं कर रहा सेंट पॉल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वह दीन के खिलाफ आया था mm. वो कह रहा था आई डिटेस्ट द तोरा लिटली आई एम कोटिंग क्रेंथियन फर्स्ट क्रेंथियन सेकंड क्रेंथियन आई डिटेस्ट दिस इज फॉर टॉमस एंड यू नो पीटर आई के मीन टू ब्रेक द लॉ मुझे तो विजन ये मिला कि भाई कानून कानून कुछ नहीं होता भाई बस तस्किया करो ये पॉलिन का लफ्ज है तजकिया करेंगे बस हम और उन्होंने अपना दीन नाफज कर दिया जो कि किताब कहती है कि भाई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है यहूदियों ने दीन नाफज कर दिया हुआ है दीन की मूवमेंट की थी और हर्स्टल ने आप थियोडोर हर्टसल का किताब जो है छोटा सा स्टार्ट नाम है पढ़ें जरा देखिए वो क्या कह रहा है इतनी एलोक तरीके से उसने एक छोटे से किताब जो है साठ सफों का किताब जो है पूरी दुनिया के यहूदी मोबिलाइज करके अपना सिस्टम नाफिस कर दिया इसराइल में बगैर इसराइल की एग्जिस्टेंस के एक नया मुल्क बना के एक पूरा सिस्टम बना दिया इसलिए मैं कह रहा था ये अफगानिस्तान को यूज़ करें hmm. वी शुड बी लुकिंग इन टू दिस ल इवेंट फ्रॉम दिस दिस एंगल कि भाई ये तो वो बड़ा वाक्य हो सकता है अल्लाह पाकिस्तान को इसलिए इस्तेमाल करें आपकी स्टोरी एक, एक, एक जो मेरे दिमाग में हो नहीं पाती है पॉलिटिकल फॉर एग्जांपल आपने वो चार की बात की पाकिस्तान के पॉलिटिकल अलीट प्रॉब्लमेटिक रिलीजियस अलीट

रिलीजियस लीड आप कह रहे हो ये ठीक नहीं होने वाली क्योंकि ये अलाइंड नहीं होगी इस हुसैनी सोच से उससे हमने प्रेशर डालना है एक ऐसी पोलिटिकल लीड पर जो कि ऐसे सिस्टम पर बैठी है जो कि शायद उड़ा के बाहर फेंक देना चाहिए नहीं। 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 ये शॉकिंग लगेगी मगर ये पढ़ेंगे तो ट्रू नजर आ जाएगी आपको कि इस्लाम में थाना नहीं होता इस्लाम में कचहरी नहीं होती ठीक है इस्लाम में पार्लियामेंट हाउस नहीं इस्लाम में मस्जिद होती लोकल मस्जिद ही आपका थाना है इस्लाम में लोकल कचहरी आपका मस्जिद है इस्लाम में जब मुस्लिम यूथ को पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा था मस्जिद मोबिलाइज करो मस्जिद मोबिलाइज करो ताकि मैं सबलिमिनल ट्रेनिंग कर सकूं लड़कों की कि भाई मस्जिद के मेंबर पे सबसे वीक एंटिटी मोहल्ले की बैठी हुई है और सबसे स्ट्रांग बच्चे लम्ज आई भी है कि उसके पीछे नमाज पढ़ें जो गलत की रात में नमाज पढ़ा रहा है और फतवे और बातें भी गलत मलत कर रहा है और ये बंदा दुनिया एक्सपोज होने के बाद भी दीन अपर्चर जीरो करके बैठ इसीलिए उसके पीछे खड़ा होता है सबसे पहले मुस्लिम यूथ को उस मस्जिद के मेंबर से मांग को उठाना चाहिए कि सर दीन आखरत का मामला है सर मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ट्रिलियन ईयर्स सेवेंटी ईयर्स सो so, जो ट्रिलियन ईयर वाला मामला है उस पर तू दो नंबर है सेवेंटी ईयर वाले के अंदर मैं मैं दो नंबर हूँ तो कोई बात नहीं लेट मी फर्स्ट फिक्स द मैथ बेसिक मैथ कि अगर आपकी मस्जिद का मोहल्ले का सबसे कॉम्पिटेंट बंदा मस्जिद में चला गया ना मामद का तो नाइन्टी परसेंट काम हो गया और कौन सी रॉकेट साइंस है किताबें पढ़ने में क्या टैलेंट चाहिए होता है किताबें पढ़ने पैसे लगते हैं किताबें पढ़ने की खास स्किल है वन सपा टाइम से स्टार्ट करना है आपने किताब शुरू कर देनी है कॉम्पिटेंस ऐसे आती है और क्या वो ईंटें उठाने की टेक्निक सिखाते हैं मस्जिद में या कोई कोई इन हो आइंस्टाइनियन और न्यूटोनियन इक्वेशन रन हो रही होती हैं नो इट्स ऑल लिटरेचर वर्सेज लिटरेचर दैट्स ऑल यू हैव टू जस्ट रीड दैट्स ऑल और उसने बस आपसे इस बात का प्रेशर हम पर डाला हुआ है सो so, एक मोहल्ला कराची का डी एच ए डी एच ए में, में हूँ इस वक्त डी एच ए में अगर एक बंदा इस्लामिक लेवल के ऊपर कॉम्पिटेंट नहीं है और इस्लामी लेवल पर वो पूरे के पूरे डी एच ए की इमामत करा रहा है तो आप समझ जाएँ कि मल्टी ऑर्गन फेलियर है इससे इससे डीप लेवल फेलियर अब ये बात सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी मौलवी हूँ अल्लाह करे मेरा बच्चा ही मौलवी बने कि मौलवी की परफॉर्मेंस जो है ना वो डिटरमिन करेगी इस्लाम के फ्यूचर को नवाज़ शरीफ इमरान खान की परफॉर्मेंस इस्लाम का फ्यूचर नहीं आगे पीछे होना ना वो क्लेम करते हैं ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की परफॉर्मेंस ना ही देख देने क्लेम इट वी क्लेम इट हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले रखते हैं कि भाई इसके अलावा कोई सही की ऑप्शन नहीं है अगर इसके अलावा सही की ऑप्शन होती नाउद बिल्ला मेरे नबी ने खैनत की हमें बताई क्यों नहीं खैर थी बताए बगैर चले गए इसका मतलब है कुल्लियतन खैर मेरा नबी है इसके अलावा कोई खैर होती हम तक पहुंच चुकी होती और है और हिबात मेरी नहीं इमाम मालिक की डायरेक्टर दी सुना रहा हूँ अब अगर सारी खैर मेरे नबी में है और नबी का पूरा का पूरा डॉक्टर आउटसोर्स कर दिया गया मौलवी को जिधर से भी हुआ छोड़ दें हमें पता है सब तफसील के तो मौलवी तो चांदी होनी चाहिए थी इस बात पर मैं तो मौलवी साहब को ताकत देने दे की बात कर रहा हूँ कि सर थाना भी आपके अंडर आप ही हैं थानेदार आप मुनसफ भी आप ही हैं और अमाम वरना आप इमाम नहीं बनते ये तीन चीज़ें आपके अंदर नहीं है। आप कौन से इमाम हैं ये कौन से अरबी का इमाम आपने निकाला है अगर थ्री डायमेंशनल इमाम नहीं है आप एक इमाम थ्री डायमेंशनल इमाम होता है कि थाना भी उसके अंदर आएगा कानून उसको पता होगा और आ, इसका मतलब है सोशल पॉलिसी भी वो पब्लिक पॉलिसी भी वो बता रहा है और यू नो लॉ भी वो बता रहा है और मोरल पॉलिसी भी वो बता रहा है बिचमी जो पहले से ही मोरल पॉलिसी के लिए हमने रखा हुआ है वो तो हमने रखा ही नहीं वो हम तो खाली नमाज पढ़ने के लिए उसको कहते हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि देवबंद कराची बल कराची एल ई कराची कराची से अगर हम अकाबरीन को मोबिलाइज करेंगे सर तो इन्हें सभा बिल आपने ही पास कराया था ना ठीक किया था सियासत ऐसी कर, की जाती है आई लाइक द दैट के देर इज़ सम यू नो रेमिशेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हियर कहीं ना कहीं सर्कट मिला हुआ है तो बिजली आ सकती है तो बड़े पावर के सर्कट लगा देते हैं कि सर जी पाकिस्तान आर्मी मुझे इसराइल में चाहिए और मेरी कोई कोई नखरा नहीं है मेरा मेरे छोटे छोटे सारे बच्चे मर गए उधर और वहाँ पे मैं नहीं जा सकता हूँ मैं चला भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होना फलस्ती हो का मैं क्या करूँगा उधर मैं क्या करूँगा मुझे इस वक्त वहाँ पे मिसाइल रॉकेट बंदूकें टैंक हवाई जहाज उड़ाने हैं और अल्लाह की कसम नहीं उड़ाने चीफ साहब अगर आप सुन रहे हैं उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं खाली दिखाने हैं क्या हम आने वाले हैं और वहाँ पर कहानी खत्म हो जानी है ठीक है वी नीड टू मेक अमेरिका स्पेंड मोर मनी दैट्स योर बेसिक मेंटल और पोलिटिकल एक्विटी मैं बात कर रहा हूं अगर आप दुश्मन के ज़्यादा पैसे लगवाएंगे तो सारा जंग से भाग जाएगा वो इट इज़ दैट सिंपल तो वो आप जैसे ही गन दिखाएंगे उधर तीन तरह के बजट उनको अप्रूव करने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बंदूक निकाल ली है चलाई नहीं अभी ना गए हैं तीन तरह के बजट हैं आई नो नीड टू ट्रेन यू यूगाज पीपल हु आर इन द डिसीजन मेकिंग स्पेशली द पोलिटियंस कि वो कौन से तीन अगर ट्रेनिंग ऑन दैट तो फिर तो आप बिल्कुल ही इकट्ठे निठल लें आप सो so, आपको वो तीन बजट अगर अमेरिका के अप्रूव करने पड़े सेनेट को तो इसराइल जंग हार गया इट इज़ दैट सिंपल बाय द वे उन्होंने तो पहले बजट भी ना कर दिया कि भाई हमने 16 ट्रिलियन जो है ना शेल सोलह मिलियन कट के आ, शेल जो राउंड्स हैं सॉरी राउंड्स वो यूक्रेन भेज दिए हैं अब हम अपने दिए हुए उधार वापस ले रहे हैं बाय द वे पाकिस्तान ने भी वापस किए एक डेढ़ सौ मिलियन का हम तो दिए हुए उधार वापस ले रहे हैं थूक के चाट रहे हैं हम हम क्या करें सोचें तो सही उनकी सिचुएशन क्या चल रही है और जिस मुसलमान को और स्पेशली एनी वन हु थिंक्स यू नो थिंकर कि पाकिस्तान की औकात क्या है कि वो जाके लड़ाई करे और हमास से भी कम ओकात है हमारी मतलब वो अपने जिसम से गोलियां रोक रहे हैं ठीक है हमसे हम वन परसेंट की तादाद में उनसे भी कम है उनसे भी ज़्यादा गरीब हैं हम दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी बेटर स्टार्ट सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कि ये कौन ये कौन तसलियाँ देते हैं हमें कि गुरबत का भी यू you नो know, वो 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 जो होगा हम भाना मिल जाएगा हमें जब ऐसे वाक़ हो गए हों तो मुझे ही पता फाइनेंशियल एक्ूमेंट नहीं मैं तो कह रहा हूँ पहले से पोलिटिकल एक्वेंट मेंटल कैपिटल क्या होता है टेक्नोलॉजी एंड यू नो ऑल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए नहीं है मुझे ही पता नहीं है मगर मैं फिर भी, भी कह रहा हूँ जंग फिर भी हम ही जीतेंगे क्योंकि मेरे रब ने कहा हुआ कि ईमान की बेस पर जंग होगी भाई तुम्हारे साधो सामान पे नहीं होगी ये जो भी कहता है ना कि साजो सामान ज़रूरी है तो जंग तब जीतेंगे नहीं जीत निज़ाम के लिए वाइदल है जरूरी है कि हम करें मेरे रब ने कह दिया है जंग के मोमेंट ऑफ ट्रूथ के ऊपर अल्लाह तला ने साफ बता दिया था अबू बकर सदी थी इस है कि आज तो हमारे पास रिसोर्स ज़्यादा हैं आज तो नहीं हारे रिसोसिस पर नहीं हारते हारेंगे तो कोई और वजह को हार गए हम नैन ठीक है हमारा फ़लसफ़ा क्लियर है या तो माना ही ना कि आ, कुरान पाक की जो बातें हैं वो वैसी ही हैं जैसे कि अल्लाह ने किए हैं तो मान ही ना तो निकलें फिर इस्लाम से मगर अगर इस्लाम में आ गए हैं तो मानना पड़ेगा कि ताकत जो है ना वो सिर्फ़ अल्लाह की है और ईमान जो है वो जंग जिताएगा आपको डराना आपने अपने साजमान से ही है क्योंकि लोगों को ताबे करके अपने कानून के अंडर लाना है ये है वाई तुम इनको और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बग़ैर पस्तलों के जाना ज़्यादा अफजल है नहीं नहीं पिस्तौल के साथ जाना ही अफजल है मगर पिस्तौल ना हो तो घर बैठना अफजल नहीं है आप फिर जन्नू में बैठे हुए हैं अगर आप घर बैठे हुए हैं जाना तो फिर भी पड़ेगा वो क़ुत चाहिए होती है ईमान की कि भाई और जान जब लेनी है अल्लाह ने है तो क्या मुझे किस बात का डर है मगर हम मानते नहीं ना हम ये सोचते हैं कि गोली ने जान निकालनी होती है हम ये मानेंगे कि अल्लाह ने जान निकालनी होती है तो फिर देखें कैसे दुम दबा के भागेंगे वो इनशाला भागेंगे भी वो मैं जिस तरीके से इस पूरे के दूसरे मामले को देख रहा हूँ देखना वो गरीब के बच्चे ही जंग जीतेंगे इन शाला देखना ठीक है बहरहाल ये बात कहीं हो जा रही है अगर मौलवी परफॉर्म करेगा तो सियासत होगी सियासत होगी

मैं दस साल लगेंगे इस काम में इस सब तो फलस्तनी को ना घंटों की बात हो रही है दस सालों की नहीं महीनों की नहीं हफ्तों की नहीं दिनों की नहीं घंटे में बंदा मर रहा है इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ओ, इन्हीं को रखो ना नहीं वी ऑल नीड टू टेक ओवर आवर इन लो, लोकल कि मैं अपनी मस्जिद का मैं माम बनूँ भाई मेरा बेटा बने और मेरा बेटा ना बने उससे भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट लड़का बने मतलब कोई मैं अपनी वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बनूँ कि मेरा काम है इमामत कराना दुनिया में अल्लाह ने महमत के लिए भेजा है खलीफा तो रहा था दुनिया में मस्किन नहीं उतारे अल्लाह ने अल्लाह ने खलीफा तो लड़ उतारा है सो अगर मैं देखूं कि मेरे से भी बेहतर बंदा है तो उसको महामत देना मेरा इस्लामी फरीज है मगर हम सबसे वीक बंदे को मामत देते हैं बहरहाल ये बात फिर स्पायरल हो रही है मस्जिद इस वक्त की जो है वो तो है जो अकाबरीन है वो तो है हैं कादील जो है वो है उसको एक्टिवेट करना है उसकी केस स्टडी मेरे पास कम अज़ कम सोलह हैं इन्होंने की है जब वक्त आया तो क्योंकि उस वक्त रिलीजियस फैक्शन में प्रेशर बन गया था तोहिने साहबा का एंटी शिया रिएक्शन है ये भाई जब शियों से नफरत हो तो तो तोहिने साहबा बिल ले आते हो खुदा का वास्ता है जैनिस्ट से भी उतनी सी हल्की सी नफरत कर लो एक एक विल चाहिए हमें मतलब शियों से नफरत किया और सियासत आ गई आपको आप नफरत में सियासत करते हैं तो मैं आपको कुछ किस्से सुनाऊ जइनस्ट के थोड़ी तो नफरत ही बन जाए आपकी वो वहाँ पर नहीं आना वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर चले गए आप पार्लियामेंट हाउस साथ ही है कि गली में है लेफ़्ट हो गए आप राइट हो जाते हैं बट यहाँ पे आप डिटेल कर देते हैं ना आप कहते हैं कि पार्लियामेंट ही हराम है और इलेक्शन तो मैं उस मिड टर्म एवेंचुअल मैं कर दें थोड़ी देर के लिए और कहें कि हम उसी पार्लियामेंट को जैसे तोहन रसालत पार्लियमेंट हाउस एक हराम स्ट्रक्चर है क्योंकि डेमोक्रेसी बेस्ड है डेमोक्रेसी क्यों हराम है इसकी बेसिस है इस्लाम में और ये उलमा येमाकाम के लिए डायरेक्ट सोचने का मकाम है जो मैं बोलने लगाऊँ कि एक बंदा मरीज हो ठीक है और एक ऐसे बंदे को आप उठा के ले जाएं आप अपने घर के किसी मरीज को ऐसे बंदे के पास ले जाएं जो आपको पता हो कि डॉक्टर नहीं है तो फिर आपने ये कत्ल किया ना आपने जानते बूझते एक बंदे को ऐसे अपने घर के बंदे को ऐसे डॉक्टर के पास ले गए जो कि डॉक्टर ही नहीं है आपको अच्छा लगता है बस ये आपने कत्ल किया ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है तो so, जब पैंतीस पच्चीस करोड़ बंदे जिनको पता ही नहीं है कि लीडरशिप क्या होती है क्या पॉलिसी बनती है क्या इन इकोनॉमिक पॉलिसी है एग्रीकल्चरल पॉलिसी है फाइनेंशियल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी है यू you नो know, पाकिस्तान का छोड़े अपने मोहल्ले का निज़ाम कैसे चलाना है उसका मोहल्ले को छोड़ें घर का निज़ाम नहीं चला सक रहा वो वो डिसीजन ले रहा है उम्मत के सोचें कौन बोला नवाज शरीफ की बात ही कर रहा हूँ वोटर की बात कर रहा करूँ जब एक वोटर क्वालिफाइड उसको डॉक्टर क्यों बना रहे हैं आप पूरी कौम का जिम्मा उसको दे दिए मेरे बच्चों के दीन का जिम्मा भी उसको दे दिए मेरे फलस्तनी मिशन का जिम्मा भी उसको दे दिए ये बेस कॉमन सेंस का लिटमस लिटमर्स दे रहा हूं कि एक बंदे को आपको पता है कि इसके पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है और ओ टी में अपना बेटा आपने लिटाया तो आप अपने बेटे के कातिल हैं ये तो ये तो खाली जिसम मरा है उसका हमने तो रूहानी डिसीजन भी इनको दे दिए ना सोचें जब अल्लाह का निज़ाम आता है तो कुरान की आयतें सुना रहा हूँ मैं आपको कि जब अल्लाह अपना हकम आपको जो नाजिल किया हो ओ वो हकम आपने नाफ़ कर दिया तो फ़ोक हम बतातेम अल्लाह ताला अपना बरकत का इंतज़ाम कर देते हैं फिर फिर आपके अमालों के अंदर चमक आती है फिर वो एक करते हैं तो सो निकलता है उसमें से फिर ज़मीन खोदते हैं तो सोना निकलता है ये अल्लाह त वादा किया तो अपनी तो किताब में ये कोई ये कोई फेरी टेल नहीं सुना रहे हूँ आसमान बरसते हैं क़ैद ख़त्म होते हैं और सिर्फ एक मतलब नहीं है फोकहम या तहतिम का कि जी अब बारिश होगी और मदनियात निकलेंगी मेरे कुरान की बात हो रही है ऐसे ऐसे फोर्सेज इन्वॉल्व हैं जो मैं इस स्पॉट या इसमें बता नहीं सकता हूँ कि जो अल्लाह ताला तब वह सलाह तुम मुनकुआ इस आयत को पूरा पढ़ें क्या अल्लाह ताला ने कहा है किसी को आती है आयत पूरी सीरियसली अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि मैं तुम तुमकवत इकट्ठी करो दो तरह के दुश्मन हैं एक वो जो तुम्हें नजर आ रहा है तुम जानते हो एक वो जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है आप सोच के क्या किताब अल्लाह ने हमें दे दी कि हमें उस सिस्टम का अल्लाह बता रहे हैं कि भाई तुम अगर इस आप ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत जरूरी नुकता है कि अगर ये वो वाली क़वत होती जो हमने असला इकट्ठा किया है ठीक है और असला इकट्ठा करने से तो जरा एक फिजिक्स के लॉज पूरे होंगे गोली निकलेगी जिस में जाएगी मार जाएगी बम फटेगा ऑल दैट स्टफ उससे तो इनविजिबल एनिमी नहीं मरना ये तो विजिबल एनिमी को मारने के लिए है। तो इसका मतलब है वो कुआ असल में कोई और बरकत भी साथ लेके आ रही है वो बरकत का मतलब वो नहीं जो पाकिस्तान में बरकत है ये कोई और टेक्नोलॉजी है जो कि स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर जिस तरीके से जो चीज़ भी आप क्या समझ रहे बेंजमिन नतंजाऊ को हा पाते ये सारा का सारा मामला अब मैं मैं फिर मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्शन कोई और हो जाएगी देर आर बिगर फोर्स एट प्ले हम मुसलमान हैं हम सबसे पहले बिल्लीस को पहचानते हैं उसके बाद छोटे से अतील पे आते हैं सो अल्लाह बता रहे हैं कि यहाँ पे है कि तुम कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम जानते ही नहीं हो सिर्फ अल्लाह जानता है जिसके खिलाफ जिस जो तुम्हारे ऊपर असल में नबर आजमा है जो चीज नजर आ, तो आ रही है वो तो नज़र आ रही है जब तुम ये वाले काम करोगे जो कि विजिबल कवत की है ना यहाँ पे अल्लाह ताली ने यह तो कहा रूहानी कवत बनाओ अल्लाह तूत का लफ्ज़ है hmm. तो इसका मतलब है कि जब तुम अल्लाह के निज़ाम के अंदर ताकत लेके आओगे तो जो बड़ा निज़ाम शैतान ने नाफि किया हुआ है जो कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मगर उसके छोटे छोटे हरकारें नजर आते हैं वो अपनी पावर लूज़ कर जाते हैं और वो वाले वाकत उनके साथ होते हैं जो कि होते हैं हर जंगों में अफगानिस्तान एज एग्ज़ाम्पल फॉर देट जो कि एक्सप्लबल नहीं होते कि ये कैसे हो गया वाक़ तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ओनली मुस्लिम कैन सॉल्व एंड सवाल छोड़ें कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये सारे दीम इसमें बतेंगे करें इस वक्त वरना क्या होगा उससे सर आप भी देमलई दियो किस दियोम कुरान की डायरेक्ट आया था ये पढ़ें और फिर समझे मैं किस कॉन्टेक्स्ट में और आपको तब भी पता चलेगा मैं एक पार्ट के इसके अंदर ये सारा कुछ ये इंतज़ाम नहीं समझा सकता ठीक है बट आई होप एवरी बडी अवेयर कि भाई मैं किस म की बात कर रहा हूँ उस रलम के हमारे ऊपर असरात और मामला क्या हैं इस पर ओल्मा का बहुत दफ़ा जिक्र हुआ एक चीज़ मैं पर्सनली समझना चाहूँगा एक हम आपको पब्लिकली देखते हैं you know, रमजान में भी समा टी वी पेपल वो तो ना आपको हैंडल कर पाते हैं और एक उससे डिस्कॉर्ड ही नज़र आता है बट द बिगर नीम्स टू सेट विद ऑफ कैमरा जिसके तक स्मानी साहब हो सकते हैं या यू you नो know, और मख्तलि मकादपे फिक्र के एक पॉजिटिव सेंस में कॉन्वर्सेशन हुई हैं बंदी क्योंकि ना भी हो नहीं 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 ये है तो वो मुझे ना देवबंद की स्कॉलरशिप मैं बाहर में बलाना आसान तक मेरी इस लेवल की रसाई होती थी एक टाइम पे क्योंकि वो ताबिर रोहिया के ऊपर उनकी बड़ी मतलब अब मुझे पता है उससे ज़्यादा एक बेहतर नाम आ गया है वो भी लाहौर में ही वायदे हुए तो मेरा इन लोगों के साथ सर्कट बहुत था पहले दी स्कॉलरशिप इस्लाम आबाद में भी ऐसा बहुत एक्टिव थी लाहौर में भी मुझे बुलाया गया फिर उन्होंने बहुत दफ़ा एक दफ़ा तो उन्होंने मुझे बुला के विदाउट नेम्स दे आर वन ऑफ सम मोस्ट क्रेडिबल नेम्स इन द द दर्कट ने सेट किया मौलाना को कोर्ट ना करो और ये का था इसको कोर्ट करोगे तो हम तुम्हें वी विल डिटेस्ट इट इंड नॉट ओनली दैट वी विल टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ यू नो पुटिंग यू डाउन सो ब्रेलवीज़म के जो बेलवी वक्त व फ़िक्र उलमा से मेरा अभी तक ऐसा कोई वन ऑन वन सेटिंग नहीं हुई एहले दीज़ के साथ तो मेरी कम अज़ कम पैंतीस हुई हैं कराची में भी लाहौर में भी इस्लाम आबाद में देवबंद की चूँकि मेरे अपने अहबाप थे तो वो मुझे एक खास लेवल तक ही एक्सेस मिल सकता था मगर बड़े बड़े नाम हैं वो तो मेरे साथ जब भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ऑफकोर्स आई एम द गाय हु एस क्वेश्चन कि सर अगर ये मसला है तो फिर ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा तो नेवर सेट कि एक दफ़ा भी मुझे किसी जानने का कि तुम तुम्हारा फलसफा गलत है hmm. देआर साइंग तुम्हारा तरीका जो है ना जिस टेक्निक को तुम ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो हम भी निज़ाम ही चाहते हैं अल्लाह तला का hmm. मगर तुम जिस टेक्निक को इस्तेमाल करें उससे उससे इस वक्त स्टेटस को हिल जाएगा बड़ी मुश्किल से ये इस चीज़ से भी जाएंगे जिससे इसमें इस अभी आई आई टोटली डिसग्री विस कि हम अगर हमत को उस तरीके से देखेंगे कि जिसमें गैर अल्लाह के निज़ाम को तरवीज मिलती हो तो वो हकमत अपने लफ्ज़ के ऊपर ही क्वालिफाई नहीं करती बैठ बैठी नहीं रही हमत की भाई आप जितना मर्जी मतलब याद हो भाई गैब का इल्म होना कि जी सौ साल बाद इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच करते हैं बाद सारे मुसलमान बॉटम अप अप्रोच के ऊपर ही कि बच्चे बच्चे मुसलमान हो न सारे वो बड़े होंगे उसके बाद उनके बच्चे मुसलमान होंगे करते करते आ एक पूरा पिरामिड बनेगा टॉफ़ द पिरामिड के ऊपर एंड में फिर हम खलीफा का टाइटल लगा देंगे ऐसे नहीं होता ना ही कभी हुआ है ऐसे कभी एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ ये नेचुरल साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ है क्यों जब टॉप द पिरमिड से लेकर बॉटम तक सब मुसलमान कर करते थे ईसा ने मरियम ने ठीक है उसके बाद छालीस साल में सब फारिग हो गए थे ये अधीजिए अब यह फ्यूचर की बात बता रहा हूँ तो जब हमें पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी खुद सरकश है ठीक है क्यों क्योंकि आदम आदमी साम जन्नत में बने थे हम जन्नत से आए हुए हर बंदा यहाँ पे अपनी जन्नत बनाने की कोशिश करता है वहाँ पे पावर एब्सलूट थी यहाँ पे हमें एबसोलूट पावर चाहिए एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग हियर इज़ बेस्ड ऑन द प्रोजनी दैट वी आर कयरिंग क्लासिक ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जन्नत की खातून दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुद यहाँ पर बनने की कोशिश कर रही है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ट्रिलियन में चली गई है जन्नत का शहजादा इधर आया हुआ है सब जगह पर मेरे ताबे 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 हो जाओ सब ताबे हो जाओ जाहिर है आदम का बच्चा यही करेगा हम अदन के बासी हैं प्लानट अर्थ में फंसे हुए हैं हमें यहाँ पर आजिज करने के लिए ललाना भेजा था यहाँ पर मतलब होने के लिए नहीं आए थे हम कब्लर वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे हम जन्नत में जाके कि जी यहाँ होगा हुक्म दिया हो गया वो हमारा काम है उधर मेरे अलावा कोई अल्फा नहीं होगा जन्नत का कॉन्सेप्ट ही खत्म है क्या कर मेरी जन्नत के अंदर कोई और बंदा आके मार yeah. जाए तो इसका मतलब है कि मुझे टोटल हुक्मरानी मेरी प्रोजेक्ट में बाई बर्थ आई हुई है ये सबसे बड़ी निशानी है ये जो क्रिएशनिस्ट अपने डिबेट दे रहे थे उनको चाहिए ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें कि एवरी मैन इज़ यू नो कमिंग अप दिस न्यू टेक्निक एफर्टलेस लाइफ हो यू yeah. नो you know, अब शहरों में जाके स्विट्जरलैंड में मैं रहूँ सब्जा हो और जब मैं कहता हूँ जन्तिन तजरिम अनहार अल्लाह ने लिखा हुआ है तू स्विट्ज़रलैंड में ढूंढ रहा है तुझे समझ नहीं आ रही थी कि कुरान पाक में ये ये निशानी कहाँ से तुझे अल्लाह ताला निकाल के दे रहे थे कि ये होगा वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं सारे टूरिस्ट स्पॉट में जन्नात इन तजरम इन तहती के पीछे क्यों भागते हैं जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी भागते हैं ऑस्ट्रेलियन भी पहुँचते हैं आप भी सब नॉर्थ इंडियन एरिया गए होंगे सारे पाकिस्तान के क्यों क्योंकि कुरान की आयत अंदर से बता बताती है कि भाई तुझे बनाया ही इसलिए था जिधर से तू आया उधर ही जाने की कोशिश करता है तुझे अंदर की याद आती है अपने घर की और वही सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है हमें सो so, जब हमें पता है कि ये पावर हमें पता है कि ये यू नो दिस लॉन्जिटी ऑफ एवरी थिंग इन ना प्रोजिनी इसका मतलब है कि अगर हम अल्लाह के निज़ाम में भी आएंगे तो अंदर शैतान इसी प्रोजिनी के साथ खेलता है जिस तरह अलैहिस्सलाम को जाके कहा था इसी तरह इबन आदम को भी कहता है कि पावर तो तेरी होनी चाहिए ना भाई तो वो कहता है ठीक है तो फिर

अगर तो आप, आप अरब स्प्रिंग तक आ गए हैं तो थोड़ा सा तीन कदम आगे चल के अखबान मुस्लिम तक यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग पीपल अरब स्प्रिंग लेफ्टिस्ट मूवमेंट याद रखिएगा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिटीड लेफ्ट मूवमेंट डो नॉट कैरी एन दॉट रेडिकल इन ऑफ इंडियर ओन बिलीफ अखबान मुस्लिम वॉर मोर्स मेड अ क्लासिकल मिस्टेक इसके पास फिफ्टी नाइन खाली पार्लियामेंट में आ गए थे पहली दफा हिस्ट्री ऑफ यू नो इस्लाम में ऐसा हुआ था कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट हाउस ऐसे लग रहा था जैसे राय का कोई जलसा हो रहा एंड वट डि यू डू ही वेटेड ऑन इट ही वेटिड ऑन इट कैन यू बिलीव कि मैं उस पर सोच रहा था कि या तो इसकी चाइल्ड चाइल्डहुड ट्रामा है इसका कोई जो उस डिसऑर्डर में आने मेक एंड सीन मैन इट्स ओके और का और क्या मिलना है तुझे अब तुझे टॉप ऑफ द पेमिड बिठा दिए इसके ऊपर की क्या ख्वाहिश है You know, यही मैं पीटीआई वालों से कहता हूँ अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या कसर रखी थी खान साहब को और कौन सी अगली पोजिशन ले ना करो जो कुछ चाहते हो वो नहीं हुई अदली आजाद नहीं है तो गोइंग बैक एरअ स्प्रिंग इज अफ्टेस्ट मूवमेंट नॉट ए राइट दैट वाई द होल यूरोपियन मशीन वॉज बैकिंग इट वॉज ऑल अगेंस्ट बस उसनी मुबारक एंटी रजीम उनको तोड़ना रीस्ट्रक्चर करना यू नो किसी तरीके से एक एन आर की फ़जा को ऊपर करके अदरवाइज चलें लस जिस अरब सिंह ट्रू टू कॉज तो क्या हुआ उसके बाद खाली मिशन में तो नहीं हुई बात हुए सो क्या हुआ उसके बाद सोचें जरा द दर्स ऑफ द वर्स्ट पीपल और हम तो मुझे तो शेख रशीद रशीदे प्यार आ रहा था जब मैं उधन के सदर को देखता हूँ मौलवी साहिबान आप सबसे कह रहा हूँ कि आपके लिए सबसे आसान मौका ये है अगर कोई शातिर किस्म का बंदा आ गया आपको ही इस्तेमाल करके गैर अल्लाह के दीन पर रख देगा अभी वो आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा वो अभी यू you know, नो पूरे पूरे कैनवस पे देखता है कि हाँ मौली वोट जरा अभी मौली वोट का इतना वेट नहीं आया हुआ इसीलिए कभी भी इन्होंने कैंपेन पर कलमा नहीं लिखा कभी भी इन्होंने कैंपेन के ऊपर अल्लाह रसूल नहीं किया इनको पता भाई मोलवी वोट का वेट ही इतना नहीं आया हुआ सो जिस दिन समझ जाइएगा मैं फ्यूचर प्रडिक्शन नहीं कर सकता मेरे पर का इल्म नहीं मैं आम बंदा हूँ पैटर्न यही बता रहा है कि जैसे ही इस्लामिक जो कि अल्लाह की तरफ़ से होना शुरू हो गया है जितने मर्जी जो मर्जी आपस में इतलाफ़ कर रहे हो शिया सुन्नी डिबेट्स चल रही हों और यू you नो know, तारिक मसूद साहब की इधर चल रही हो तो उधर से गोलियाँ चल रही उससे इस्लाम का एक्यू बढ़ है यूथ में न हाँ. मेरा कुछ बेंच मार्क्स हैं जो कि उन, उनके अंदर अब मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि इस्लामिक एक्ूमिन लड़के का ऊपर बनना शुरू हो गया ज़ाहिर है इट्स डे लाइट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन यू नो Uh, for example, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंटरटेनमेंट के कॉन्टेंट को देखेंगे और इस्लामिक कॉन्टेंट को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है मगर पहले कभी भी नहीं था ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स अपने अपने मोहल्ले में भी नहीं जाने जाते थे अब डॉक्टर इसरार हो या तक उस्मानी दर ग्लोबल नेम्स दिस हैज़ नेवर हैपन बिफोर यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दर इज़ ऑलवेज़ चाहे चाहे शर बढ़ता है अल्लाह ताला खैर भी बढ़ा रहे होते बैलेंस किया वाला तै ने अब हमारी ड्यूटी होती है कि इसको टॉपल कैसे करना है कि शर को ताबे करें खैर को नाफि करे अगर खैर नाफिज नहीं हो रही तो किसी एक रेडी वाले का भी तस्किया नहीं करा सकते आप एक वली का भी तजकिया नहीं होता अगर निज़ाम अल्लाह का नहीं और ये तमाम उन लोगों को पता है कि तस्वुफ़ को पढ़ते हैं कि एक आम बंदे का किसी खानका में बैठ के तजकिया नहीं हो सकता जब उस खानका के इर्द गिर्द का निज़ाम अल्लाह तला के कानून के ऊपर नहीं एंड दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स कि जो स्परिचुल स्परिचुल खेल के बुद्धि नुमा मुसलमान नुमा बुद्धिस बनने में कि भाई कानून अल्लाह का नहीं है तो तुम्हारा तस्की कैसे हो सकता है नीचे हाउ डेर इवन थिंक दैट दिस इज नॉट कनेक्टेड हम तो इबलीस को कनेक्ट करते हैं अपने नसों के साथ और आप सोच रहे हैं कानून कनेक्ट नहीं है मेरे तस्की के साथ करते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये बुद्धिस्ट वो बन बैठे में कहने का मकसद शख्स अल्लाह तखलाज से याद कर रहा है ऊपर और उसको यही पता है यानी आप उसको जाके यूं हिट करते हो करते हो तो पीपल आर एसेंशियली वेरी टेरिटोरियल एज़ वेल लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों तो आई एम प्रोवोकिंग इट फ्रॉम दैट राइट न्यूरॉन आई टेल यू फज़कुरूनी फज़कुरो क्योंकि इसका पीछे इसका एसेंस क्या है शायद का अल्लाह ताला ने इसकी वजह बताई ना कि तुम मुझे तो तब मैं तुम्हें तब मैं तुम्हें हम या अल्लाह ताला का कि इन ला ला जब तक के तुम अनफ सही के अंदर खुद तगैर नहीं लेके आते हो अल्लाह ताला ताइकिल बता रहे हैं बार बार आप ये कह रहे हैं तजकिया वाले सारे जो, जो कहते हैं और मैं जो कहता हूँ ना कि भाई दो तजिया अल्लाह ताला ने सुरज जुमा शुरू करे सूरज की वहाँ पर टाइम है, दी, दी। ताँग है। मसला है ना मेरी मीटिंग अच्छा सुर जुमा में ये तस्की की बात हो रही है गौर से समझ समझने सारे तू मुझे याद कर तो मैं तुझे याद करूँगा अल्लाह ताला ने कह दिया अल्लाह ताला ने कह दिया तूने अपनी हालत नहीं बदली तो मैं तेरी हालत नहीं बदलूंगा मैं तेरी हालत नहीं, नहीं बदलूंगा जब तक के और ये कौम को का बेकौम है यहाँ पे ठीक है जब तक इंसान एक ख़ास अवेयरनेस के अंदर नहीं ना आता तब तक वो तस्की क्वालिफ़ाई नहीं कर सकता तसवुफ़ की पहली कड़ी ही यही है कि पहले पहचान उसके बाद कदम उठा पहचान किधर जाऊँ किधर जाऊँ पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना अल्लाह ताला स्टार्ट करते आपको याद है सुर जुमा शुरू कर दो आयतें सिर्फ दो आयतें चाहिए जी, जी। सुने गौर है सुने ऊँचा ऊँचा माइक पर पढ़े जरा जुमा खोलें जरा सर सूरज जुमा खोलें मैं आपको आज समझा दूँ सारे तसव्वुफ़ वाले बंदे

अर्ज। आप पास करें अब ये अल्लाह तक ने क्या बताया कि भाई अब ये देखें कहाँ से बात हो रही है फसलून से बात हो रही है ये, ये भी वही हो रही है कि पूरी कायनात अल्लाह ताला के जिक्र में इस वक्त अल्लाह यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि भाई किसी शक में ना रहना असली काम यही है ठीक है तो मैं तज़िके के, के नाव तो हो नहीं सकता ठीक है कोई भी मुसलमान अकीदे में हमारा कुरने पा के आए थे मगर तजिक करना नहीं है करवाना है करने नहीं है तो खैर उर्दू में मतलब ये लगता है सिर्फ अपना नहीं करना पूरी दुनिया का करवाना है ये है तजकिए का असल मतलब मैं अगर कुटिया में दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह करूँगा इससे मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से सबकदोश हो रहा हूँ कि भाई मैंने सबका करवाना था भाई ठीक है जब मैं सबका इंतज़ाम नहीं करता मेरा तजकिया नहीं होता ये एसेंस है इस पूरी के पूरे सिस्टम का कि जब मेरे मैंने फॉर एग्जांपल एक बाप अपने बच्चों को तो नहीं फीड करा अपने आप को फीड कर रहा है तो वह बाप के जुमरे से रिजाइन कर चुका है यू कनेक्टेड टू पॉलिटिकल एक्टिविज्म? नहीं नहीं आता हूं अभी तो देखें अभी कहानी कुछ और है सर कहानी तो बहुत बड़ी है अब गौर सुने अल्लाह ताला पाक में किस तरीके से हमसे मुखातिब है शुरू करें दोबारा पढ़ें आगे से यहां तुक्के नहीं है ये शायरी नहीं हो रही अल्लाह ताला ग्रैंड मैट्रिक्स के अंदर एक एक हर्फ बैलेंस करके सीक्वेंस में बता रहे हैं कि अल-मलिक, अल-कुद्दूस, अल-गजीज, अल-अजीज, अल-हकीम, अल-हकीम अब पाकिस्तान में इन चारों में से तीन के मतलब ही कुछ और हैं इसलिए कहता हूँ अरबी सीख लें अरब अरब उलमा से रुझू करें की बात करूं उलमा से रुजू करें ठीक है अलमलिक अलकुदूस अल अजीज अलहकीम अब ये चार का सीखों याद रखना है अब अल्लाह ताला आगे क्या इर्शाद फरमाने लगे अब आहस्ता आहस्त पढ़ें ये चारों याद रखने आप अल्लाह हमें एक रसूल अता किए हैं इधर ठीक है तर, जो कि क्या करेंगे अब याद रखना अलमलिक अलुद्दस अलज़ीज़ अलकीम आप नबीसलम की निशानियाँ आने लगी है और यह पूरी आदमी सलाम से लेकर नबीम की पूरी इरा डिस्क्रिप्शन होने लगी है गौर से सुनिएगा क्या ये पढ़ के सुनाते हैं आयात ये लिखा हुआ तर्जमा आप बेशक पढ़ के सुना दे तर्जमा ही गलत है ठीक है अभी बताता हूँ कैसे गलत है आगे हिम और वो पाक कर देता है ठीक है ठीके? जिस हर एक को पाक कर देता है जी, आगे। वो किताब। और किताब का आलिम है ये एक तर्जमाही गलत है और लिखा भी यही हुआ आपके सामने अभी मैं प्रूव करता हूँ ये तर्जमाही गलत है इसलिए आती हैं पूरे प्राइमल सिस्टम से वो प्राइमल सिस्टम बेस के ऊपर हमें चेंज करना पड़ेगा आगे क्या लिखा हुआ है अब मैं क्यों कह रहा हूं कुरान खुद बता रहा है गलत है अब ये चारों का सीखो चेक करें पहला क्या आपने नबी वसल्लम की निशानी क्या बताई पहली यतलू यतलू अलैहिम अलैहिम पहलीत ऊपर पहले क्या लिखा हुआ था मलिक ठीक है मलिक जो उर्दू में मतलब है वो यहां पे फिट नहीं होता क्योंकि हमने कोई और मतलब रखा है मलिक का अभी बताता हूँ मलिक का अरब में क्या मतलब है अरबी स्कॉलर क्या लेते जी मतल, मलिक के नीचे लिखा हुआ है ठीक है आगे कुदूस कुदूस के नीचे क्या लिखा हुआ है वो है। तो यो वाला मतलब हम सही लेते हैं पाकिस्तान में कदूस का मतलब ही पाक है और नीचे वो भी पाक कर रहा है ठीक है आगे क्या है अल अजीज है अल अजीज पाकिस्तान में अजीज का मतलब आप सब अपने अपने घरों में किताबें खोल के देख ले कुछ और अरबी में इसका मतलब कुछ और है और वो एक्सेप्शन ना दीजिएगा मुझे जो कहते हैं ओ नहीं मेरे पास तो कुछ और निकला है मैं जनरल रूल की बात बता रहा हूं अब अजीज का मतलब क्या है पाकिस्तान में आप में से किसी को अजीज का क्या मतलब पता है अच्छा, क्या बात ना अजीज का मतलब असल में सख्त है जबरदस्त सख्त ठीक है काफरीन से सख्त से होगा और मोमिन से नरम होगा यहां पे अजीज ऊपर लिखा हुआ है, है? वा तो उर्दू वाला पॉलिसी डिफाइन करता है कि ये यह भाई यहां पर नो नो गो जोन है जीरो टॉलरेंस है ये कानून जीरो टॉलरेंस ये है अजीज जो कि नीचे किताब किताब का मतलब क्या हो गया फिर कानून आगे क्या है अल हकीम है और फिर वल हिकमा ऊपर हक, अल हकीम हकीम नीचे हिकमा तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने ये सीक्वेंस ऐसे बता दिया था अब बताएं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चारों काम नहीं किए किए कैसे पता है कुरान में पता है अब कुरान में ये पूरा का पूरा सीक्वेंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम, डिस्क्राइब करने के लिए हमें बताया है कि और हमें पता है और ने लिखा है और सबको पता है हर जी शुरूर स्कॉलर ने ये बात लिखी है कि आदम आदमी से ले के इब्राहिम तक एक ख़ास ईरा है इब्राहिम इब्राहीम से ले के मूसा सलाम तक एक खास इीरा है मूसा सलाम से लेके ईसा तक एक खास इीरा है क्योंकि ईसा आल्लम ने आगे कहा था कि मुझे हिकमा मिली है ठीक है मूसा ने कहा था मुझे किताब मिली है इब्राहिम इब्राहीम ने तजकिया कराया था ठीक है अल्लाह के नबी नबीम मोहम्मद मेरे आका हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये चारों चीज़ें मैं कराऊंगा अब दौर बदल गया है ह्यूमन एवोल्यूशन ऑल एक्यूमेंट मॉरल कैपिटल इसको कहते हैं कि ये सारा का सारा फोर इन वन अब, अब टाइम आ गया अब किसी और नबी की जरूरत नहीं है जितना कुछ था इरा टूरा शिफ्ट होता था हजरत इब्राहिम ने किताब नहीं अलैहिस्सलाम ने हम नहीं और मोहम्मद ने चारो करके दिया सो दीज वन आउट ऑफ फोर ऑल ऑफ दीज राज प्रोफेसर फोर आउट ऑफ फोर यह ऊपर की आयतों से पता चल रहा है अब आते हैं नंबर वन पे मलिक नीचे क्या लिखा हुआ था यतल अलैहिम आयत अब आयत का मतलब पाकिस्तान में क्या है हमें सबको पता है वो आयत का मतलब कुरान में नहीं है एटली फाइव परसेंट है वो मतलब ठीक है एक दफा दो दफा इस्तेमाल हुआ वरना आयत को अल्लाह ताला क्या कहते हैं ये कोड है जिसको तूने डी कोड करना है ये वो निशानी है जो लार्जर देन लाइफ है या रेगुलर इल्म से नहीं इसके लिए पूरी साइंस खोल और आगे की जिद्दत लेके आ कुरान पाक की और आयतों से भी मैं आपको निशानी यहाँ पर बता दूंगा कि, कि जहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे जाके पूछ लो जो इल्म रखते हैं सूरह काफ में अल्लाह ताला ने कहा कुछ लोग हैं जो जानते हैं सब हवा में तीर चला रहे हैं सिवाय कुछ लोग के जो जानते हैं कि उनको कैसे पता है ूम अलग अलग सिर्फ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं होती मगर फिज़िक्स का इल्म यहाँ पर यह, फिजिक्स को तो हम खैर किसी और ही तरीके से लेते हैं ये तमाम तर जोम हैं जो मलिक के अंदर आ जाते हैं वो हैं वो निशानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी निशानी है जिसको हमने उर्दू में मोज़ा रखा हुआ है अल्लाह कह रहे हैं ये मेरी एक निशानी थी जो मैंने की जहाँ जहाँ आया का लफ्ज़ आया गौर से पढ़ें वहाँ वाक़ क्या हुआ है और आपको पता चल जाता है कि अमूमी वाक़ नहीं हुआ बहुत ही खास वाक़ हुआ है जिस पर अल्लाह ताली कह रहे हैं ये तो मेरी एक निशानी मेरी एक आया है ये आयत है जिसको उर्दू में आयत कहते हैं तो आयत को हमने निशानी को ऊपर मलिक के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हमने समझना है कि सात आसमान आज तक फिजिक्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से आगे नहीं जा सकी अल्लाह कह रहे हैं तो पहला आसमान है जिधर जिधर कहाँ सूर्य मलिक सूर्य मुल्क से बता रहा हूँ कि जिधर hmm. जिधर अडोनमेंट्स नजर आएंगी वो पहला आसमान है मुजैन समा दुनिया किससे सितारों से जहाँ जहाँ सितारे नज़र आ रहे हैं चाहे फोर्टीन पॉइंट सम बिलियन ईयर्स अगो के आ रहे हैं वो आपका पहला आसमान है इसके बाद क्या वसल्लम ने कहा पाँच सौ साल पानी पानी के बाद पाँच सौ साल की मसाफर फिर दूसरा आसमान फिर पानी पानी लाइक like, really, पानी वॉर जी अलिम नबी ने कहा जो नूसलम का सैलाब था वो मुजर्रा कैके शहाँ से आया था सैलाब पानी सो इमेजन जे आयात किस का लफ्ज़ कैसे देखना कैसे आपने अभी तो मैं स्टार्ट हूँ इसलिए कहा था पॉडकास्ट छोटी है गौर से समझे एंगल देना है मकसद है आपको खाली वंस यू नो कि भाई ये मामला तो किसी और तरीके से था सारा वी वर नॉट ग्लोबल ग्लोबल तो छोटा लफ्ज वी वर यूनिवर्सल वी वर इन एस्ट्रॉनॉमी फ्रॉम डे वन यस कुरान वी वर टॉकिंग अबाउट द होल एंटायरिटी ऑफ जियोग्राफी तब कहीं जाके कर आप कौन कर करेंगे ये छोटे छोटे टट्टू जो फिर रहे हैं अमेरिका यूरोप के लैब्स के अंदर से यू नो वेपन्स एंड ऑल दैट पॉलिटिक्स सिस्टम ये तो बहुत छोटा मामला है

ये है मसला इससे कॉन्क्वेस्ट ऐसे होता है जब आप डेफिनेशंस को चैलेंज करके चेंज करते हैं मेरे पास कुरान है ये बताएगा डेफिनेशन क्या आगे क्या है अभी तो बहुत आगे जाएंगे अभी हिकमा की बारी आएगी तो धुएं निकल आएंगे ये है वो हिमा जो अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं और आप मुझे उलमा कलाम क्या बताते हैं हिकमा है हमारी कि तागत के अंडर नहीं ये कुरान बता रहा हकमा क्या है समझ रहे जब खिलाफत का निज़ाम हो हिमा की डेफिनेशन कुछ, कुछ और होती है जब खिलाफत के निजाम में अमन हो हिमा की डेफिनेशन कुछ और होती है जब खिलाफत के निजाम में जंग का हिमा की डेफिनेशन कुछ और होती है सीरा से बता रहा हूँ आप ही ना हो तो सॉरी फिर आप हिमा की डेफिनेशन यूज़ करेंगे एक ही है कि खिलाफत पहले लेके आओ अच्छा कन्फ्यूजन है जो मतलब है वो आप

और प्रोजेक्ट्री भी दे रहे हैं टाइम भी दे रहे हैं वो फिजिक्स की आयत है कि तुम्हारा ग्यारह हजार साल पचास हजार साल है, हमें एक दिन लगता है सातवें छठे आसमान से हुक्म नीचे पहले आसमान तक आ रहा है अल्लाह ताला तो बता रहे हैं आयत कैसे आ रही है ये हुँ. तो उधर से लेंगे आप इधर से आप ये बताएंगे कि भाई ये सर होलिस्टिक आयत ओवरऑल ब्लैंकेट डिस्क्रिप्शन है यतलू अलह आयात की ऊपर अल्लाह तला ने मलिक बताया आप मुझे इस कनेक्शन या तो आप कहने नहीं नहीं सर कोइंसीडेंस नाउज बिल्ला कोइंसीडेंस तो नहीं है ऊपर मलिक लिखा हो नीचे यतलू अलिम आयात लिखाओ ऊपर खुदूस लिखवा नीचे तजकिया लिखाओ ऊपर अजीज़ लिखा हुआ नीचे किताब लिखाओ ऊपर हिकमा लिखवा नीचे हकीम लिखवा नीचे हिकमा लिखाओ इट इज़ अ पजल मैच इट्स अ वर्ड टू वर्ड मैच इट इज़ इन एलगोरिदम विच इज़ कम्प्लीटिंग इट सेल्फ ना आगे नहीं जा रहा हूँ मैं अभी अभी तो क्योंकि पॉडकास्ट में बैठा हूं मैं वर एम सेंग इज आई एम सॉरी दिस अगर हम इसको

अल्लाह के नबी सलाम एंड मिशन इज दट इज गोइंग टू गिव यू एंड वो जो कुरान का कंप्लीट पैकेज है वो फिजिकली गिवील है यहां पे

इनसिग्निफिकेंट पार्ट की खाली आयत पढ़ के सुनानी है नबी का तो काम आयत नाफिज करना समझाना अबू मकर सदी की हदीस है क्या खाली मम्मताब की कि मुझे आठ साल में नबी ने सूर बकरा सिखाई है यह है आयत आठ साल में सूर्य बकरा सिखाई है ठीक है तो सीरा से पता चलेगा ना मैं कि भाई हो कह रहा था और कुरान खुद जब बता रहा है कि यह मेरी एक आयत है यह वाक़ हो गया ये मेरी आयत है मैंने निशानी तुम्हें ये वाक्य करके दिखाया और ये अल्लाह की आयतें ही हैं जो कि तुमने पहचानी फिर भी तुम अक्ल नहीं करते हो ठीक है ये आ, हमें दिस इज़ द पार्ट वेयर आयत हैज़ बी डिसाइफ़र्ड ना लोन हादल जब तो खाशियमी आगे क्या कहा लाल या कि ये निशानियां मिसालें तुम्हें इंसानों को दे रहा हूं हालांकि क्या हो रहा है, है।, है। अल्लाह के और नीचे अल्लाह कर दिस इज सोच सके, सके अल्लाह के कलाम पे बिकॉज आई थिंक सो फॉर एग्जाम्पल वन यू रिस्ट्रिक्ट दैट कलाम टू द फिजिकल्टिस

और ये मियाँ आ गए हैं यहाँ पे जुमा जुमा आठ दिन और ये कह रहे हैं कि ये मतलब डेट्स अ नेचुरल चैलेंज कीप इट आई नीड दिस मैंने कहा ना रेजिस्टेंस चाहिए इससे होता क्या है इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वाइटेलिटी hmm. आती है यू टेक यू नो फ्यूअर मोर स्टेप्स दैन जस्ट यू नो Well, I think we can choose to pause that right now oh, and हमें yeah, yeah, a, yeah. A switch gear करते हैं yeah. because बहुत ज़्यादा हो गया so let's switch back to वो जो शुरू में capital की बात थी ना उसमें एक financial capital था और एक intellectual capital था so for example all of us

उसके लिए बेसिक सा फॉर्मूला है ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है कि आप अपने कम्युनिटी को एज अ कम्युनिटी सबसे पहले नथी कर लें सकता फेसबुक के सब्सक्राइबर नहीं है तो जक्रबक बिले नहीं है फेसबुक ने सबको नथी किया हुआ आपस में हाँ। बिल्कुल इस तरीके से यूट्यूब ने आपस में, आपस में अपने सब्सक्राइबर नथी किए हुए और उन्हीं के स्टैट्स उन्हीं के रन डाटा रन कर करके उसने अपने एल्गोरिदम रन किए हुए आपको तो वीडियो भी वही आती है जो रिलेटेड टू सम वीडियो जो पहले आपने देखी हुई है यहाँ तक कि आपके सर्कट पर आप हैं तो आपने जो वीडियो देखी है उसका कजन आपको नजर आएगा गया यू नो बिल्कुल इस तरीके से लॉबीज होती है यह कॉन्सेप्ट ब्लॉक चेन का है इसको ब्लॉक चेन बोलेंगे तो पैसे आपके जहन में आ जाएंगे कॉइन्स और बिट आ जाएंगे नो नो आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक चेन इज अ ब्लॉक चेन ब्लॉक चेन ये होती है कि सब एक मकसद से इकट्ठे हो गए हैं hmm. और वो बाई इन्वाइट ओनली हैं ओके नो आई कैन जस्ट कम इन एंड स्टार्ट मेकिंग न्यू रूल्स नो देर आर सर्टन पॉलिसीज उसको ब्रीच नहीं कर सकते आप एंटर हुए हैं उन पॉलिसीज के अंदर आप काम करते हैं जो भी पर्पज है उसको सबके साथ मिलकर अचीव करते दैट्स इस कॉल अ ब्लॉक चेन अब ये तुक्का नहीं लगा हुआ ना यहूदी साजिश है ये यहूदी कॉम्पिटेंस है कि आपके घर में शैम्पू साबुन यू you नो know, पंखा हवाई जहाज हर चीज आप घर में से लेके मुल्क तक यहूदियों का बनाया हुआ है आई सलूट दैम आई डोंट कंडेम देम क्या मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं मैं जाइनिस्ट के खिलाफ ओके okay? यहूदी हिंदू, हिंदू, हिंदू क्रिश्चन जो भी हैं अपना काम ठीक करें अल्लाह इनको बरकत दे हमें के, पॉइंट ये इनकी परफॉर्मेंस बाकी ठीक थी इनके प्रोसेस ठीक थे इनकी कॉम्पिटेंस थी जब ये कॉम्पिटेंट होते हैं ना तो वो तीन चार कैटेगरीज में कॉम्पिटेंट किसी भी प्रोडक्ट की बात करो सर्विसेज की ज़्यादा है थोड़ा सा ग्रे होता है थोड़ा सा फ्लूट कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट की तो सिंपल से आ, चार पांच इंडिकेटर्स हैं जिसको आपने यू नो क्वालिफाई करना है और उस स्टैंडर्ड को मैंटेन करना है उन्होंने किए हुए आप में हम सब मुसलमान बैठे हुए सारे दाढ़ी वाले हैं आपको खुद भी पता है कि जब मुसलमान कार्टून भी बनाता है ना तो वो भी दो नंबर कार्टून बनाता है मानना पड़ेगा ना हमें वाई वाई आर वी लाइंग टू वर्स उनका कार्टून भी हमसे बेहतर है उनकी रियल कार्टून क्यों कह रहा हूँ एनिमेटेड फेक चीज़ होती है उनकी रियल फिल्म से लेके उनके प्ले से लेके उनकी किताब से लेके किताब के पेपर क्वालिटी से लेके उनके घरों की दीवारों से लेके उनके मीनार हर चीज़ बिल्डिंग हर चीज़ वो एक ख़ास बेसिक क्वालिफायर के ऊपर सेट हाँ करते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम भी नहीं करते कॉम्प्रोमाइज़ जब हम उनसे चीज़ लेते हैं हम खुद बनाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं क्योंकि बेसिकली अलार अदर साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ईवेल गो इन टू आवर प्रोडक्ट मेकिंग ठीक है डिफरेंट डिस्कशन डिफरेंट दी वन आम इज फाइनेंशियल कैपिटल का भी एक ही तरीका है कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंट लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विस मेकिंग के अंदर लॉबी के अंदर इकट्ठा किया जाए और कम्युनिटी उनकी सब्सक्रिप्शन में आए दैट्स कॉल अ ब्लॉक चेन अब मैं ओवरसीज मुसलमानों की मेलबर्न से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर इस एम की से नहीं मैं कह रहा हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ मैनचेस्टर मायामी मेलबर्न ये ट्रायंगल हमने बनाया है मेरा टूर भी इसी तरीके से प्लान हुए थे कि टीन एजर्स को अभी से मैं ऑन्टरप्रनोरियल लेवल पे लेके आऊँ और तमाम तर दुनिया के सामने इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी uh, के स्टैंडर्ड्स बताऊं प्रोडक्ट लॉन्च हो तो जितने भी मेरे आई के सब्सक्राइबर हैं सारे के सारे लैच इन कर लें सब लैच करेंगे दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू यू नो मेक हिम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज उसको पता है मेरी परपैचुअल साइकिल है सब्सक्रिप्शन की ना देर इज़ जस्ट ए प्रोटोटाइप ऑफ आर एम ट्राइ टू डू इन अ ग्लोबल मुस्लिम लैंडस्केप दो बिलियन कस्टमर जिस बंदे के हों तो वो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स पर बिलियन ईयर नहीं बनता ये जेफ बेजोज की तरह वो ट्रिलियन एयर है दो बिलियन कस्टमर जिसके होंगे वो ट्रिलियन एयर है अब मसला उस बंदे के ट्रिलियन होने का है ही नहीं आप पर्पज़ पर लोगों को इकट्ठे करेंगे तो ट्रिलियन एयर क्या हमें वी नो मेजर पर कैपिटा एट दैट टाइम वी मेजर द ब्लॉक चेन कैपिटल एंड वन द ब्लॉक चेन कैपिटल मैं आपको आसान करके बताता हूं चार यूदी चार यूदी अलग अलग शहरों से साइंटिस्ट निकले हैं सात अक्टूबर को आठ अक्टूबर को नौ अक्टूबर को उन्होंने सेवेंटी टू आवर्स में सौ बिलियन डॉलर का बजट अप्रूव करा दिया कोई अमरीकन नहीं है इसमें क्योंकि इनको पता इनकी लॉबी कहां कहां पर कौन कौन सा बंदा कॉम्पिटेंटली पहुंच चुका हुआ है पॉलिटिक्स ऐसे होती है it is, एक दफा और कितने साल की मेहनत है गटर के सुज लाइंस के अंदर 40 साल रहे हैं ये लोग 40 इयर्स इनको जर्नली ने सड़क के नीचे गटरों में रखा है उधर बच्चे पैदा किए इन्होंने वहां पे रहते थे ये वो कॉम है जो उठी है गटरों से निकली है सड़कों पे आई है सड़कों से निकली है और दुनिया का ताज पहन रही है क्यों क्योंकि आपस में सबसे पहले नथी हो गए थे पर्पज पे लाइन हो गए थे तो रायत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी थी अब उनका लेफ्टिस्ट लिबरल तरीन बंदा तो रायत के नाम के ऊपर इसराइल मूवमेंट के अंदर सबके सब इसराइल में आ रहे हैं इस वक्त नंग धड़ंग बीचें बैठे होते हैं क्यों आयो यू नो मसा इज कमिंग इज़ कमिंग तरात इज द ओनली कॉमन थिंग हमारे बीच में कुरान इज नॉट द कॉमन थिंग और कुरान तो चले हम इमोशनली किसी ना किसी लेवल के ऊपर क्या भी देंगे का काम नहीं हमें कुरान को मैंने आपसे कहा हमने तो डेफिनेशन ही बदल दी हुई है हमने तो दीन की डेफिनेशन बदल दी है है पीछे क्या है? दीन इस्लाम दीन इस्लाम में दीन का मतलब ही गलत बताया हुआ हो तो फिर इस्लाम कैसे आगे चलेगा दीन और तो कुछ नहीं ना इस्लाम ही है न, दीन सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन क्लियर करें स्टेज वन के ऊपर नंबर टू मोबिलिटी की रियलिस्टिक डेफिनेशन और बेंच मार्किंग दें स्टैंडर्ड्स जो है ना उनको मेंटेन करने के लिए और फिर सबको सही ग्रामर के अंदर अगली यूथ को लेके आए इकट्ठा करें देर इज द ओनली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी देर इज नो अदर लॉजिकल प्लान और हर नबी ने प्लान ये ऐसे ही किया सबसे पहले आगे स्टैंडर्ड्स तोड़ दिए पर्पज ही चैलेंज कर दिए हर नबी ने आगे सबसे पहले पर्पज इज लाइफ ही चैलेंज कर दिया क्योंकि सब कुछ गलत है दिस इज नॉट वाई यू शू डू दिस नॉट हाउ पे बी सम हाउ के एक्सपर्ट तो उसको भी हाउ वाले तक ठीक हो वाई वाला कॉन्सेप्ट में चेंज कर देता हूँ दैट वाई पीपल यू नो आप क्या समझ रहे हैं गली मोहल्ला लड़ाई तो नहीं थी ना किसी भी नबी की किसी की सोशल लड़ाई तो नहीं हुई किसी नबी की हर नबी की पोलिटिकल लड़ाई हुई किसी भी एक नबी की सोशल या इमोशनल लेवल के ऊपर किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना वो 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 जंग नहीं वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जंग थी आप कोई एक हिस्ट्री बताएं किसी कुरान का सीरा को कसर सुंबिया खोलें देखें सियासी जंगें हो रही थे इसका मतलब है नबी आके सियासी चैलेंज करते होते थे

दूसरी को वो चेतान की आती है और आपके अपने बच्चे नहीं कन्विंस हो रहे होते बिकॉज यू नो बाकी क्या बराक ओबामा और जॉर्ज बुश को कुछ कहना हमारे मुसलमान अपने बच्चों के अंदर हम इस्लाम नाफिज नहीं कर सक रहे बिकॉज कोई और अल्लाह कोई और ऐसा दुश्मन है जो तू नज़र भी नहीं आ रहा तू पहले अपना पर्पज़ क्लियर कर फिर क़ुत में आ कुत में आएगा उसके बाद तुझे पता चलेगा पीपल विल नेचुरली कम इन अंडर यू यूर भी इसमें एक चीज़ ये कि वो चार कैपिटल्स की काफ़ी सारी बात की मेरी उम्र का बंदा मेरी टाइप का बंदा ये यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है आपको सुनता है अगर हम कहते हैं यारा है, आई बाई एन टू एट इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं एक एक्टिविज्म एक क्रिएट होता है आप एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली आप अगले क्या स्टेप्स हमें सजेस्ट करते हैं राइट थ्री लेवल्स लॉन्ग टर्म स्टेप्स शुरू करने पड़ेंगे आज बना वो लॉन्ग टर्म नहीं वो इंडेफिनट uh, हो जाएगा लॉन्ग hmm. टर्म के लिए भी स्टार्ट तो आज ही लेना पड़ेगा एक मिड टर्म है और एक शॉर्ट टर्म है ठीक है तीनों के तीनों रेजोनेट करेंगे वरना लॉन्ग टर्म टर्मीव होगा क्विक विंस लो हैंगिंग फ्रूट्स अभी आप पकड़ेंगे ठीक है सो ये जितने भी फिरकों के अंदर जितने भी लड़ाई चल रही होती है ना मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा होता हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग इज रेजिंग आई क्यू सो यू ट्राई एंड यूटिलाइज द काइंड ऑफ एक्मेंट वहां से आप लें और उस एज ब्रैकेट को सबसे पहले फोकस करें जो इस वक्त अर्ली ट्वेंटी लेट ट्वेंटीज के अंदर सबसे पहले यू आपको तो देखें हर बंदे के अंदर एक लव रेडार होता है याद रखना ठीक hmm. है लव रेडार क्या होता है कि एक इंसान को कुछ और पता ना चले ना चले ये पता चल जाता है कि एक बंदा मेरे से प्यार कर रहा है ओके ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी बिकॉज ही डज नॉट हैव हद तक नहीं इसके दे, इसके दे है इसके अंदर इसके अंदर मोहब्बत है सो आप अपने उस यूथ को सही ग्रामर के अंदर इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर और वाकई में असली मोहब्बत के साथ क्या है अल्लाह का बंदा है इसको मैंने बचाना है इस एंगल से इस ट्वेंटी थर्टीज़ वाले को सबसे पहले कैप्चर करें क्योंकि ये बीमारी नई नई लगी हुई है इनको स्कूल के बच्चों की एज के अंदर भी बीमारी आई नहीं होती सो यू स्टार्ट बेसिक्स बेसिक बिल्डअप उधर शुरू कर दें जैसे मौलाना मुद्दी साहब की किताब है दीनियात दिस शुड बी इन आवर एवरी हाउस होल्ड फैला दें क्योंकि वो इतनी परफेक्ट ग्रामर में लिखी वो परफेक्ट क्यों कह रहा हूँ हर ईरा की हर जनरेशन की अपनी ग्रामर होती है जेन जी की ग्रामर चेंज हुई है जेन जी इज़ ना लैच ऑन टू इट बट जेन एक्स जेन वाई यू नो दे फॉलो इन लव विध इट देखो ना गैरट ओके सो ग्रामर आपकी ठीक हो कम्यूनिकेशन ग्रामर के बगैर एलोकेंट नहीं होनी चाहिए अगर उसके बगैर एलोकेंट है तो फिर आप नार्सिसम का शिकार है सो so, अगर आप सही ग्रामर के अंदर इस यूथ को कैप्चर कर रहे हैं ठीक है तो आपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सिक्योर कर ली हुई है क्योंकि बाबू ने तो नहीं बचना कॉमन सेंस की बात है मैंने यू नो तो, you know, मेरा लाइफ स्पैन और एक चार साल के लाइफ स्पैन में किसको मेहनत करनी है चार साल वाले पे कर रही है दैट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मसला ये कि आपको स्वीट स्पॉट्स पता होने चाहिए इस वक्त जो अगले पचास साल का स्वीट स्पॉट है वो इस वक्त का थर्टी ईयर ओल्ड के पास है वो इस इस वक्त के ट्वेंटी या टेन ईयर ओल्ड के पास नहीं है स्वीट स्पॉट होता है कि एक बंदा अपने मिड फोर्टीज़ और अर्ली फिफ्टीज के अंदर अपनी नेचुरल ताकत में आता ही आता है इन चारों कैपिटल में दैट्स अ साइकोलॉजिकल स्वीट स्पॉट उस स्वीट स्पॉट को अचीव करने के लिए आपने देखना होता कि आपकी प्रोजेक्ट्री के अंदर किस पर मेहनत में करूँ वो बारह साल के बच्चे में मेहनत किसी और चीज़ की है hmm. और तीस साल के बंदे ऊपर किसी क्योंकि ही इज अबाउट टू हिट इन चारों में से नेचुरली आने लगाए फाइनेंशियल कैपिटल hmm. में पकड़े जो मर्जी में कर लू थर्टीज और फोर्टीज में मैं अगर जिंदा हूं तो कुछ ना कुछ माल मैंने बनाया है hmm. अपनी प्राइम के ऊपर मैं हूँ सो so, यू need टू सी कि इनके कॉन्सेप्ट डेवेल्प करें और इनको किस तरीके से मुतरक करें क्योंकि अगर ये मुतहर हो गई तो दे हैव ऑलरेडी अचीव सम लेवल ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर ओके सो जितने भी ये नवाज शरीफ इमरान खान की लाई हो रही थी देर बिल्डिंग द पोलिटिकल एक्मेंट इवन दो इंतहाई पैटी लेवल के ऊपर जिस मर्जी पाकिस्तानी का ले, ले लेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स का कख पता नहीं होगा इनको हुँ. मैं अभी बता दूँ सेमी कंडक्टर को छोड़ दें ताइवान मैप के ऊपर भी नहीं ढूंढ सकता पाकिस्तानी ठीक है उसको ये ही नहीं पता तीन अलग अलग अध्यान इस वक्त दुनिया में नाफिस है इस्लाम उनमें से एक भी नहीं है ठीक है कौन कौन से दीन इस वक्त पूरी तरीके से इनफोर्स हो रहे आपस में लड़ भी रहे यू you नो know, ये सूर रूम याद आ रही होगी आप सबको कि जब दो बड़ी कोतें टकराती हैं तो मुसलमान सोच क्या रहता है सीरा में पड़ें मुसलमान उस वक्त क्या सोच रहे होते है हाउ आर दे लैंडस्केपिंग द होल यू नो ग्लोबल मैप सो थर्टीज़ और फोर्टीज़ वाला किसी और तरीके से किसी और ग्रामर में आपने पकड़ना है अंडर दैट किसी और में और यू you नो know, बच्चे किसी और में बच्चों को तो कभी भी उस ग्रामर में, में नहीं आप पकड़ सकते इसमें बड़ों को पकड़ते हैं इफ़ एनी दे कैन रन अवे फ्राम यू विवाइ द स्पीड और कभी भी नहीं वापस आएंगे और यही हुआ मौलवियों के साथ भी पाकिस्तानी बच्चा किसी भी बड़े शहर में मौलवी की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वो बड़ों की ग्रामर में बच्चों से बात करता है और इट इज सच अ कॉमन रुकी मिस्टेक क्यों सर हम पढ़े ही ऐसे हैं तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आप पढ़े थे जो आपको याद है वो आपके लड़कपन का है, जवानी का याद है जो आप बचपन में पढ़े थे ना वो आपको याद भी नहीं है और वो डंडे से ही पढ़े होंगे बच्चा किसी और एंगल से आता है मैं अभी बता दूँ हॉलीवुड इज़ ट्रेनिंग दैट कॉन्शियस माइंड के किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी होती है मैं फ़िल्मों की तरफ नहीं भेजना चाह रहा हूँ मैं आपको फिल्म नहीं सुनानी दिखानी इस्लाम की फिल्म सुनानी है हीरो क्रिएट कैसे होता है विलन के बगैर हीरो नहीं क्रिएट हो सकता जितना बड़ा विलन होगा उतना बड़ा हीरो हो जाएगा खुद ही नेचुरली यू नो डेविड एंड गलायत जालूद और दाऊद अलैहिस्सलाम जलूद को एक्सप्लेन करेंगे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के मेरिकल नजर आएंगे और ये वही आयात हैं याद रखिएगा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ था किसी एक पाकिस्तानी का सौ का सैंपल लेंगे एक को पता होगा सॉरी ही हज़ार में से एक को पता होगा दस हज़ार में से भी एक को पता होगा चलें इतना ये रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि दाऊद अलैहिस्सलाम को असल में मेरिकल मिला क्या था और वो मेरिकल कैसे अल्लाह ताला ने उसको प्रोपोर्शन और फार्मूला भी दिया हुआ कुरान में मगर हम सोच हमने जालूत नहीं समझ आया ना इसलिए उस मोजे की वैल्यू नहीं मिली तो विलन को क्रिएट कैसे करना है और आ, हीरो को प्रेजेंट कैसे करना है उसके सामने दैट्स व्हेन द विक्ट्री इज़ कम इन इफ दैट विक्ट्री इज़ नॉट प्रेजेंटेड वेल पीपल आर गोना रन अवे फ्रॉम द कुरान सो जब भी आप खुतन को देखेंगे कौन सी सूरत पसंद है सूरज यूसफ पसंद है सैंपल लेके देख लें सोचें अल्लाह ताला ऐसे तो नहीं स्टोरी टेलिंग करें कुरान पाक में इज़ अ रीज़न स्टोरीज़ के थ्रू ग्रामर क्रिएट होती है ग्रामर के थ्रू चेंज क्रिएट आती है क्योंकि कम्युनिकेशन इंस्टिल की जाती है पेनट्रेट की जाती है और जब आप सही ग्रामर के अंदर सही स्टोरी टेलिंग कर रहे होंगे आप खुद सोचें मैंने कम से कम आठ या नौ दफ़ा आपने स्टोरी के एंगल बदले बात करने से पहले मैं एन क्रिएट करता हूँ एल के अंदर अभी भी सबके दिमाग में डोपामाइन सेंटर खुले हुए कि थाउदा का वाक्य पूरा क्यों नहीं सुना देयर इज़ अ रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस सो देवरी बद अंडरस्टैंड के टेक्निक बड़ी सिंपल फार्मूला हॉलीवुड को आ गया है हमें क्यों नहीं आया बिलियन बना रहे हैं वो फिल्म एक एक फिल्म आप तो बिलियन भी हिट कर गई ना एक फिल्म बिलियन भी हिट कर गई है इनकी सोचें तीन सौ चार सौ मिलियन डॉलर कैसे बनाए रहते हैं पूरी दुनिया को इकट्ठे करके बनाए जाते हैं पूरी दुनिया अपनी मर्जी से पैसे दे के आती है इनके घरों में जी और हम मतलब लिटली हम उनको पैसे भी दें ना तब भी वो हमसे कुरान सीखने नहीं आएंगे वी डू नॉट नाट नाउ प्रजेंट कुरान इट इज दैट सिंपल सो यू एस्ट मी हर नेकी सिर्फ अल्लाह की तरफ से हर खैर सिर्फ अल्लाह की तरफ से मेरा कोई टक्के का काम नहीं इसमें याद रखिएगा जब आपने कहा था ना ऑल सडन सदन पीपल आर लैचिंग ऑन टू योर ऑल आई एम डूइंग इज स्टोरी टेलिंग टेक्निक कि कुरान को असल में देखना कैसे है कुरान पाक के एक पाकिस्तानी यूथ की साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से ग्रामेटिकल एरर से जो पहले हुए थे वो नहीं करने बात वही करनी है मेरे से ज़्यादा अल्लाह करे मरू भी मैं ऐसे ही कि सीरा का लफ्ज़ किसी ने ना बोला हो मैं तो आता ही क्योंकि सारे दिन फर्स्ट पर, सीरा सीरा ये बोलेगा सीरा पढ़ो सीरा पढ़ो क्यों क्योंकि सीरा इज़ नथिंग बट अ स्टोरी सीरा हैज विलन सीरा इज़ हीरोज सीरा सज फाइट्स अगर हम प्रजेंट आप फिर हज़ार का सैंपल लें कुरान के 600 मिल जाएंगे हज़ार में से हज़ार ने कुरान देखा हुआ होगा एक दफ़ा पढ़ा होगा बचपन ने छठी क्लास में ख़त्म भी कर लिया होगा उसने छः साल में छठी में छोड़ी उसके बाद नहीं कभी देखा मगर एटलीस्ट कुरान तो पढ़ और हज़ार में से दस मिलेंगे जिन्होंने सीरा असल में पढ़ी और दस में से एक मिलेगा जो उसको समझ रहे कि भाई इसका कुरान से लिंक क्या है और कुरान बग़ैर सीरा के मेरा अपनी राय है कंटेस्ट करके देख लीजिएगा कुरान बग़ैर सीरा के समझ नहीं आ सकता भाई आपको अपना नबी नहीं समझ आया तो कुरान कैसे समझ आएगा कुरान प्राइफ है सोचें जो वाक्य नीचे हो रहा है अल्लाह ताला आए तो ऊपर से बता रहे हैं उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया आयशा रजीला ने कहा मेरा नबी चलता फिरता कुरान है दिस मैन इज अ वॉकिंग कुरान यून सी कुरान ये ही सो क्या ये क्या है ये मामला hmm. ये मामला ऐसा ही है कि सीरा कुरान की प्री बेसिक थी प्री रेकुजिट थी जब आप सीरा को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुरान पाक वॉज एक्चुअल कल्बिनेशन ऑफ ए लार ऑफ स्टोरीज कमिंग टूगे लाइफ स्टोरी ऑफ यू नो सो मैनी इवेंट्स सो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप हर्ल्ड कर सकते हैं ना आवाम को और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बाबा जेट में hmm. मैं बाबा की ग्रामर क्रिएट नहीं करता बाबा की ग्रामर मुझे क्रिएट करने का लॉन्ग टर्म में भी कोई फायदा नहीं है उस बाबा ने होना नहीं है ठीक है अल्लाह क्या पता सारे बाबा जिंदा हो और सारे बच्चे मारते हैं अल्लाह को पता है मगर पैटर्न ये बता रहे हैं कि बाबा जी पहले मरेंगे और बच्चे बाद में सो मैंने हंड्रेड ईयर प्लान बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे डब्ल्यू डब्ल्यू रिसोर्स को उसके माथे पे लिखा हुआ है आई एम एस की वेबसाइट पे इस्लामिक मैसेंग सिस्टम डॉट कॉम के ऊपर कि हंड्रेड ईयर प्लान ये है कि दादा अपने पोते को देखता है पढ़ पोते को नहीं देखता तो ये तीन बंदे चाहिए दादा बेटा पोता ठीक है ये दादे को चैलेंज जब जब पोता बाप को चैलेंज नहीं करेगा तो फिर वही कुछ चलेगा जो दादा करता आ रहा है तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू चैलेंज क्रिएट करो क्वेश्चनिंग सेंस लेके आओ और फिर दादा जी को जो सही बातें पता थी वो ट्रांसेंड करवानी है हमने वरना तो कल्चर ऑफ इस्लाम ही खत्म हो जाएगा सो वट एवर इज़ राइट हैज़ टू कैरी थ्रू बट हु इज कॉल फाइ वैट इज़ अ फादर सो वो 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 हंड्रेड ईयर प्लान पढ़ें आप जाके वेबसाइट पर देखें कि मैं चाह क्या रहा हूँ और फिर आपको पता चले कि लॉजिकल लेआउट बड़ा आसान है कुछ चीज़ें मैंने टेक्निकल बोलिए उठा के साइड पे फेंक दें जो चीज़ें आपको इस वक्त एक्साइट करें कि यार कुरान को ऐसे देखना है वो आपका आज की पॉडकास्ट का ममबा है इनशाला Okay. एक आखिरी सवाल मेरा आपसे जो होगा uh, वो ये होगा कि इस सारे में आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं नसिया का एक दाम लेता तो हूँ आप, आपको बहुत कम तारों है हमने आपको एक कोर्स बताया mm -hmm. या यूथ क्लब आप उससे पहले जाते रहे माइनस द कॉन्ट्रोवर्सी और दैट मेरी इस्लाम की और उनकी hmm. करती हैं उधर That, that can also yeah. be taken in a healthy sense. No, no, I, no, of, of course, not. I love these guys. So, yeah. What so, I'm saying is, के definitions' के कि, clarity you, you define things differently, man. Hmm. I mean, you know, they do anything for me, and I do anything for them. You I know, mean, they're my Muslim brothers. But we have different definitions of Islam. Yeah. So, what that you know these organizations like these? And you have Islamic schools. Sir, I just play. As a I train to a chess player. ग्लोबल फोर डी चेस खेल रहा यूथ क्लब जिस जिस सेगमेंट में हिट कर रहा है ना आम भी कर ही नहीं सकता क्या फर्क है ग्रामर का फर्क है इसको ग्रामर बोलते हैं मुझे सारे चाहिए मुझे गांधी भी उतना ही अजीज़ है जितना डॉक्टर अजीज वो भाई जिस जगह को रिपल्सिव करार दिया जाता है वहाँ पे गांधी स्टार्ट होते हैं राम जी के फॉलोअ सो so, मुझे वो चाहिए क्या वो मुसलमान नहीं है मैं तो गैर मुस्लिम बचाने के लिए आया हूं दुनिया में हम सब मुसलमानों ने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है तो ये तो असली मुसलमान भाई है हमारे सो वी नीड टू नो कि ग्रामर कैसे चेंज हो रही है उस ग्रामर के अंदर अपनी डेफिनेशन इंस्टॉल कैसे करनी है और ना सिर्फ इंस्टॉल करनी है स्ट्रैटी भी देनी है कि भाई ये चार कैपिटल प्रोड्यूस कैसे करनी है किसी भी माँ को किसी भी बाप को इतराज़ नहीं है कि उसका बच्चा इन चारों के ऊपर पीक में ना आ रहा हो तो नॉट अ इट्स विन विन आपको इस्लाम नहीं भी चाहिए तब भी आपको ये चार कैपिटल फिर भी चाहिए चाहे वो बुश से आ रहे हो इंस्पायर चाहे नॉर्वे कर रहा हो इन चारों के पीछे आप सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं दुनिया के निजाम भी ऐसे ही चल रहा है अल्लाह ताला ने कहा भाई मैं निज़ाम बनाई है ऐसे बस इसको इस्लाम के लिए कॉम्पिटेंटली पूरा कर लो के मॉरल मेंटल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ये पूरा करना है आपने दिस इज़ वाई ये पॉलिटिशियन से मुझे नकाहत होती है क्या तुमने इस चीज़ का लफ्ज गंदा कर दिया है जो कि इस्लाम की सबसे बड़ी सुनत है पॉलिटिक्स अब गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है सियासतदान है बच्चा चोरी कहते हैं या झूठ बोल ये बड़े होकर सियासतदान रहने का इमेजन करें कि ये मेरे नबी की सबसे बड़ी सुनत है और उसके बाद हमने किस इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूटना ये स्टैंडर्ड हमने रह हमारे पिछली दो नस्लों ने तोड़े हैं तो पार्लियामेंट हाउस में ऐसी मखलूकत भरी हैं ना हमने okay so yeah. i hope uh, i was as uh, descriptive as i could possibly get on a you know a yeah i think uh dr zakalak for your time it was for interesting sort of, of speaking to you we've been listening to you in bits and pieces online and i just yeah one, one, you one, one thing i want to add joe uh, podcast. you were a topic we have podcast about of course uh, not going to join that detailed discussion the testosterone level of a human male is dropping by the day because of पॉलिटिक्स पॉलिटिकल डिसीजन है ये अध्ययन ने किया हुआ है ओके okay? ये इस वक्त के जो अध्ययन है आदमी को नसवानी कर रहे हैं और नसवानी कोई गाली नहीं होती औरतें नसवानी ही अच्छी हैं और अपनी पीक पे आती है औरत अब नसवानी होती है आदमी अपनी डिक्लाइन पे आता है औरत भी अपनी डिक्लाइन पे आ गई अगर आप वो मरदाना हरकतें शुरू कर देगी तो इट्स नॉट अबाउट हु इज़ बैर पर्सन नो नो मैन इज़ बैरर ओनली इफ इज़ इन हिज मैनहुड एंड वुमन इन देयर वुमनहुड सो हो क्या रहा है कि इस्लाम की डेफिनेशन चेंज होते हुए सबसे पहली बेबरकती महारंदर आई जो अल्लाह ताला के अजाब की तरह आएगी कि आदमी अपनी आदमियों से रफा हो जाए सो आदमी को आदमी में लाने के लिए ये चार कैपिटल जरूरी हैं और जो इस वक्त इस्लाम की करंट डेफिनेशन दी जा रही है उसमें आदमी अपनी बगैर अपने मैनहुड को प्रैक्टिस किए भी ये डेफिनेशन पूरा उतर सकता है दरअसत के नीचे बैठ के अल्लाह करने में कोई ताकत कोई प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की जरूरत नहीं होती अपना आप बचा रहे हैं लोगों का तजकिया कराने में आपको पूरा का पूरा अपना इस्टेब्लिशमेंट चाहिए एज अ मैन एज अज नेचुरल ऑर्गेनिक मैन कि मैंने लोगों का इंतज़ाम करना है उसके लिए मुझे अपना जिसम के से काटने भी पड़ेंगे लोगों के लिए अपना हिस्सा देना पड़ेगा और लोगों को उस बाउंड्री के अंदर प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा जो कि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी रैय में दी है इसलिए नबी नबीरस ने कहा तुझसे तेरी रैयत का हर राई से कुल्लू रायन हर राय से अपनी हर पूरी की पूरी रैयत का सवाल हो जाना है कि तुझे किस लिए भेजा था सो so, वो कैसे होना है वो कैसे पूरा करेगा भाई वो अपनी पूरी ऑर्गेनिक एंटायरिटी में आएगा सो so, जब ये इस्लाम की डेफिनेशन सिर्फ तजकिया तजकिया करते हैं ना तो उस वक्त मुझे तशवीश होती है कि भाई आप तो बिगर डिज़ाइन के साथ खेलें बिगर सिस्टम इन न दीना इन द के बिगर सिस्टम इस्लाम का समझो ये है वो बिगर सिस्टम के छोटे छोटे एलिमेंट्स कि आदमी अपनी एंटायरिटी में अपने पर्पस की तरफ मूव करे और हर आदमी पूरा आदमी हो हर औरत पूरी औरत हो और तब कहीं जाके इस्लाम पूरी तरीके से एक यू नो घर के अंदर से लेके कौमों और मुल्कों और पूरे, पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर नाफिज हो सकता है बिकॉज़ नेचुरल रिपल्शन ये है अगर मैं नस्वानी हरकतें करता आपके साथ बैठ के या फिर कोई ऐसे एक्सेंट में बात करता है जो जरा सा जनाना होता तो नेचुरल सी बात है आपने के सर अच्छे लगते हैं आप हमें मगर दोबारा मुलाकात की ज़रा चांस कम है क्यों वाई इज़ इट नैचुरल रिपल्सिव बिकॉज आई एम नॉट इन माई सेल्फ A self not defined by culture, it's not a cultural or you know social definition. It's a psychological disposition, an archetype which is ingrained in our progeny. This is what I'm trying to contest. कि भाई ये डेफिनेशन के साथ ना खेलें और गोरे खेलते हैं खेलने दें फेमिनिज्म की मूवमेंट चल रही है ब्रिटिश मैन टिस्टॉस्ट्रॉन लेवल इन द लास्ट थ्री डेकेट्स गूगल इट यू विल फाइंड आउट आई एम टॉकिंग अबाउट क्यों पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी फेमिनिज्म की उन्होंने एक एक जगह पर वो पॉलिसी अब मेनटेन कर ली है उन्होंने अपनी किताब नाफिज कर दी है अजीज़ हुए हैं अपनी किताब के ऊपर वो हम अजीज़ नहीं हो रहे अपनी किताब के ऊपर ये सूरज जुमा में बात हो रही है तो मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी किताब पे अजीज़ हों मतलब अपने कुरान के ऊपर स्ट्रिक्ट और स्टर्न कि भाई इस पर इसके अलावा कुछ सही नहीं है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी तजकिया वाले जो भी बंदे हैं ना और कहते हैं साहिल माई आप तस्जिए खिलाफ़ हैं नहीं मैं ना उस भी लम्बे कैसे तस्किए खिलाफ हूँ मेरा नबी तस्किया करने दुनिया दुनिया पूरी का तस्गिया कराने के लिए कोई और स्ट्रैटी चाहिए होती है और अपना अपना तजगिया करने के लिए कोई और तो जब आप डेफिनेशन दीन से हटा के मज़हब पर लेके आते हैं जो लफ्ज़ अल्लाह ने नहीं कभी इस्तेमाल किया कुरान में एक दफ़ा भी मज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ हम सब पासपोर्ट पर लिखा हुआ है साहिल द्दीन मजहब इस्लाम ये मज़हब कहाँ से आ गया ओके okay, सो so, मेरा दीन है इस्लाम और मैं अमेरिका में जाऊंगा तो कहूंगा सर आपका भी दीन इस्लाम के अंदर आएगा मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है दीन इस्लाम है आप तैयार हो जाओ ठीक है सो so, अब मजहब पे आओगे तो वो तो कहते हैं आओ ना सर मजहबी बंदे तो वेलकम है हम इंजन करें हर मजहबी बंदा हर जगह ही वेलकम है मगर वो दीनी बंदा वेलकम नहीं करते क्यों उनका सिस्टम चैलेंज हो जाता है उससे ये है नबी की सुन्नत कि जब नबी ने दीन बोला था ना ऐसे नहीं अबू जाल हिल गए थे सारे उमै बिन खलफ ऐसे नहीं साजिशें हुई थी अबू लाभ ऐसे नहीं एक्टिवेट हुए थे मजहब पर कभी भी नहीं उन्हें एक्टिविटी को मसला किया वो तो कहते थे यार अपना अपना करो ना तुम हमें तंग करेंगे हाँ ये डायरेक्ट कोर्ट बता रहा हूँ तबा का कि ओ मोहम्मद आप हमें ना तंग करें हम आपको तंग नहीं करेंगे तो वहाँ पे तजकिया क्यों नहीं किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मकसद ये था ही नहीं सबको तजकिया कराना था ओके दैट अ डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर इस्लाम इज़ अ डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर ओके एन तस्किया इज़ अ जस्ट द एलिमेंट ऑफ तस्किया द टोटली कैन बी अचीव थ्रू एनी सिस्टम इवन बुद्धिस डू दैट ओके सो मुस्लिम तस्किया इज अ डिफरेंट तस्किया ऑल टुगेदर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन द कीवीज एंड द एस्मोज उनको भी एक अल्लाह ताल के निजाम में आखिरत में यू नो पाक साहब नबीरू वसलम ने आखिर में जाते जाते बात करता हूँ नबीर वसल्ल ने हदीस से शाह कि अल्लाह व जल भी आखरत में हैरान हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों से जकड़ जकड़ के इंसानों को जन्नत में फेंक रहे हैं साहबा ने कहा यार सुन ये कैसे होगा नबी सन शाह पमाया मफूम बता रहा हूँ क्योंकि उनको अगर बस में होता जो हमारी नफसियात तो वह सरकशी करते बेरा हरवी में जाते मगर वो सिस्टम में ऐसे थे जहाँ उन्होंने गुना किया ही नहीं थोड़ा नॉर्वे याद आ रहा है थोड़ आप थोड़ा थोड़ा स्कैंडिनेविया, गुना वही पाकिस्तानी एक और तस्किए की बात कर जिसको भी तस्किया कराना होना आप छः महीने का कोर्स आठ साल का कोर्स करने की बजाय सिर्फ तीन महीने डेनमार्क बेचते हैं वापस आएगा नाइन्टी परसेंट तस्किया हो चुका उसका क्योंकि उसके बाद में ही नहीं है गुनाह करना उधर यू नो मोस्ट अमेरिकन मुस्लिम पाकिस्तानी आर लॉ अबाइडिंग पाकिस्तान में हमें राय भेजना पड़ता है कि भाई कुछ अल्लाह कर वह बगैर किसी यू you नो know, कुरान के बगैर किसी रसूल की सीधा के अमेरिका के सिस्टम के अंदर अपना तजकिया कर है <laughs> रहे हैं बैठ के बाकायदा लाइन में खड़े होते हैं पाकिस्तानी इमेजन करें रहे नहीं करा सका वो काम जो जॉर्ज बुश ने करा दिया एक दूसरे से असलम हेलो एलिवेटर में जाओ हेलो ब्रदर

मेरा काम है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीधा पूरी करूं और चूंकि मैं जिन मिसाइल में भी हूं मैं अगर ये नहीं कर सक रहा हूं करना तो ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अपने बेटे को पूरी तरीके से तैयार करूं कि मैं नहीं हो सका तो तूने नहीं एक मिशन पूरा कर ले जाना है पैस द बटॉन मैन पैस द बटॉन और अगर वो नहीं कर सका तो वो तैयार इतना हो कि वो आगे से कर सके सो इट इज़ अल्लाह तला किससे जो भी काम ले लें ठीक है किसी से क्या पता मोहम्मदी का हमले क्या क्या पता किसी से अब्दुल्ला कामले क्या पता किसी से अब्दुल मुतले का हमले हैज़ टू बी अ पार्टी टू द सेम पर्पज़ सो हंड्रेड ये प्लान यही होता है कि भाई दादा बाप और बेटा इन तीनों का पर्पज़ अगर सेम हो डेफिनीशन क्लियर हों तो तीनों एक दूसरे को इन्फोर्स करते हैं ना दादा के बगैर पोता कुछ कर सकता है ना बाप के बगैर बेटा कुछ कर सकता है सो यू हैव टू डू दिस एज अ स्ट्रिंग और अल्लाह के रबीम ने भी स्ट्रिंग की, की मिसाल दी हुई है और दीवार को इस तरीके से बताया कि एक मोमिन ईंट है किस में दीवार so, के अंदर सो ना दीवार ईंट के बगैर किसी फायदे की है ना ईंट दीवार के बगैर सो so, ये हंड्रेड ईयर प्लान में हंड्रेड ईयर क्या मैं तो कल नहीं हूँ आई नीड टू मेक श्योर मेरे बेटे को हंड्रेड ईयर प्लान की कॉम्पिटेंस की प्रोजेक्ट्री के ऊपर एक्टिवेट किया हुआ ठीक है और पर्पज़ पहले बताया हो ये ना हो कि मैं पर्पज ही नहीं बता रहा सोचा गुड टू तो हैव थिंग्स इस्लाम इन नारा स्केलर इस्लाम इज़ नॉट गुड टू हैव इट इज़ वेल डायरेक्टेड पाँच साल के ऑब्जेक्टिव क्लियर हों दस साल के ऑब्जेक्टिव क्लियर हों तीस साल के ऑब्जेक्टिव क्लियर हो उसके बाद उसको ये भी पता हो कि मैंने तीसरे साल में एक और बच्चा पैदा करके उसके पाँच साल के ऑब्जेक्टिव पूरे करने की कॉम्पिटेंस लेनी ठीक है सो इट्स इट्स अ अ परपेचुअल साइकिल इट्स इट्स अ अ लीनियर साइकिल जिसमें आपको अपने बेटे को तैयार करना है कि वो अपने बेटे को तैयार करे कि वो अपने बेटे को और खातन अपनी बच्चियों को और आप भी अपनी बेटियों को सो हंड्रेड ईयर प्लान का मतलब है कि मैंने आगे का सोचना है नबी नबीसी ने शाह फमाया कि वो इस्लाम में अभी तक मुमिन नहीं हुआ जब तक कि उसका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर नहीं ठीक है और इमाम जाफर सादक ने क्या कहा कि तुम में से कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ कि जो सुबह उठे और सूरज की पहली किरण उसको कौम के मसले न लेके आए ठीक है थेके? उम्र ख़ताब नमाज पढ़ें खलीफा उस खलीफा अमिल मोमन है मस्जिद नबी में जमत हो रही है इशा का टाइम है नमाज के दौरान सलाम फेरा नमाज ख़त्म की और सलाम फेरते ही पीछे अब्दुल्ला अब्दुलरमिन ऑफ से कहते हैं कि अब्दुलरहमान यमन के रबात ने फौज कम भेजी साहबा कहते हैं नमाज में भी पूरी की पूरी पूरी जंगी स्ट्रैटी सूझी हुई है और सही और सही बताया है इज थिंकिंग सो वी आर नॉट इंडिविजुअल्स मुस्लिम इज़ नॉट एन इंडिविजुअल मुस्लिम इज़ ए पार्ट ऑफ ए कम्यूनिटी कितना परसेंट पार्ट हैं ये अब आपके प्लान और स्ट्रैटी के ऊपर है एक जाते जाते एक वाक़ सुना दूँ आपको एक सहाबी थे जो कि तइफ के, के गजले के बाद मुसलमान हुए बहुत मशहूर वाक़ औरत अब्बास के दोस्त थे वो कहते हैं कि जब मुसलमान हो गए उससे सारे ही मुसलमान हो गए तइफ इज़ द लास्ट ऑफ ऑल एक्सक्रशन कहते कि मैं ना पहली दफ़ा जब पिछली दफ़ा जब मक्का आया था ना इतल लौंग को कि उस वक्त मैंने अब्बास से पूछा था नवीसम के चचा से ताया से कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है तो क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये वाक्य देखा था काबे में तो अब्बास ने कहा कि मेरे दोस्त ने कि ये मेरा भतीजा है ये उसकी बीवी है और ये मेरा एक और छोटा भतीजा है अलविरता ये एक नया एक कोई इन्होंने दीन शुरू किया उसके लिए ये उसमें एक नमाज पढ़ रहे तो सभी कहते हैं कि ये तीन थे उस वक्त अगर मैं उस वक्त मुसलमान हो जाता तो मैं एक चौथाई इस्लाम होता अब मैं जब आया हूँ तो लाखों लोग आ चुके हैं अब मैं कितने परसेंट हूँ ये मुझे तो तब अमाल ही बताएंगे मगर उस वक्त मैं एक चौथाई इस्लाम होता कि एक बंदे की कितनी वैल्यू होती है कितना बड़ा काम होता है जितना बड़ा काम हो उतनी बड़ी वैल्यू होती है और अल्लाह का एक तरफ से तुक्के नहीं है मैं और आप दो हज़ार चौबीस में बैठे हुए इतने बड़े काम में मिल गए हैं कि नबियों को मिलते होते हैं काम कि पूरी दुनिया बेरारि और आप आ गए तो जी हम आप एक चौथाई इस्लाम से आप इससे भी ज्यादा काम कर दें क्योंकि वी आर इन द डे एंड एज वेयर एवरी थिंग इज़ गॉन रॉन्ग मल्टी ऑर्गन फेलियर दीन भी फारिग कर दिया हमने मजहब भी फारिग कर दिया हमने ओल भी फारिग कर दिए हैं कानून तो छोड़ें उसूल भी नहीं हम एथिक्स उसूलियातों ने उसूल भी फारह कर दिए वो प्रिंसिपल पर कानून बनेंगे बल्कि एक ऐसे प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर बच्चा ट्रेन हो रहा है जिनको वो सही समझता है और वो इस्लामी नहीं है ठीक है तो सोचें वो साहबी याद करें कि जो ताइफ में कस्बे के बाद मुसलमानों के रो रहे थे कि, कि क्या अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल गई है स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स योर एज यू कैन डू दिस सबसे पहले अपने बाप को चैलेंज करें डेफिनेशन ठीक करें नबीम ने भी इशाफ़ माया कि अबू जल तेरे बाप के दिन पे तू तेरे बाप का दीन गलत था अपने बाप के दीन को छोड़ के मेरे पास था इसे अपने मरियम ने इंजील में लिखी हुई है दी कि यू के नॉट ब्रू डिसाइपल ऑफ माइंड यू गो अगेंस्ट योर ओन फादर फॉर वट एवर ही बिलीव इन तू अपने बाप का डिसाइड है मेरा कैसे हो सकता है तेरे और बा मेरे बाप के दिन में ही फ़र्क है सो डेफिनेशंस ठीक करें ठीक का मतलब है अच्छी नहीं ठीक करें गलत है और उन डेफिनीशन्स के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश करें जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना खसारे में हूँ मैं ही नहीं क्लियर करेंगे तो खसारे का अंदाज़ा कैसे होगा जब आपको खसारे का अंदाजा हो जाता है तो फिर आप ज़रा फिर नेचुरल ऑटो करेक्ट में जाते हैं कि भाई ये तो आग लगी हुई है बुझाऊँ सब मर जाएंगे सो हम जिन डेफिनीशन्स पे हैं उसमें लगी हुई आग नहीं नज़र आ रही हमें और हम खुश ब खुश सो रहे हैं मतलब आग में जल रहे हैं और सो रहे हैं सो so, ये मैं मौलाना साद का ही कोट कर रहा हूँ इधर जो तबली जमात के हैं कि एक ऐसी कौम भी आनी थी जो कि आग में सोती है और चैन से सोती है। वो आखरत की आग की बात करते हैं कि अगर आंखें अंधी हो जाएं तो आप आग में भी चैन से सो सकते हैं ये है टेक्निक जो कि इस, इस दैट लेवल ऑफ के जिसको जिसको समझ आ रही है बात उसको पता होगा भाई काम तो वाकई में हमें डायरेक्ट अंबिया का मिल गया कि चलो भाई अब आराम का वक्त गया अब काम का वक्त शुरू है ओके बॉयज ज्यादा सो आपने वो एक दफ़ा वो कहा था ना डिफरेंट पॉडकास्ट पे आप वो पोर्टल खोल देते होते हैं एंड एंड माई परस्पेक्टिव टू दैट इज़ लाइक मैं ये कहता हूँ कि वो अब जब भी पोर्टल खोल रहे हैं पोर्टल खोलने से आप कहते हैं जी मुसलमान को एक्मेंट ऊपर अपना लेके जाना है so, सो चाहे आजूज माजूद के परस्पेक्टिव से हो दावत के परस्पेक्टिव से हो सो so, एक एक मेरे से वो जमीन फट के आए पोर्टल खोल के आए फर्क क्या पड़ेगा हाउ हाउ वुड दैट बी डिफरेंट बिकॉज आई वांट रियली टू नो कि उससे क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है मैं जब दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजूदे की बात कर रहा था ना तो उससे फिजिक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही थी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी ठीक है इसको ग्लोबल व्यू बोलते हैं यूनिवर्सल व्यू ऑफ़ यू नो हाउ टू इंटरप्रेट अ लॉ तो पोर्टल ना खोलनी है ना बंद करनी है मगर पोर्टल समझनी है ताकि आपको पता चले कि और अगर हम खोल सकें तो क्या ही बात है पता तो चले कि भाई डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स ही कुछ और है जिस दिन किसी फ़िजिक्स के बंदे को कुरान मिल गया ना उसने कर देना है सारा काम मसला ये हम जैसे सोए मारिज मारिज का जो असल में मतलब है ना अरबी में वो पोर्टल ही है और आप देखें कुरान तर्जमे में क्या लिखा हुआ है आसमान पे जाती हुई सीढ़ियां ये तो ज्यादा मुश्किल काम है। अगर मैं बोलता ना हमारे पास आसमान पर पे जाती हुई सीढ़ियाँ तो मजाक उड़ा होता मेरा और भाई आसमान पर जाती हुई सीढ़ियाँ नहीं है उसका मतलब Made it easier for you. किसी और ने भी आपसे पूछा था मैं हॉलीवुड से बहुत पहले तो रात में ठीक है मतलब ये ज्यादा बड़ा कोई कई आसमान में सीढ़ियां जा रही ठीक है वो हम मानने के लिए तैयार है क्योंकि जेन जी और जेन एक्स वाले जेन वाई ये हॉलीवुड प्राइम ने वो पोर्टल अच्छा पोर्टल लवी कोई ऐसा लफ्ज निकाल जो सूर्य महाराज का मतलब बताते हो जिसका मतलब वो ऊपर जा सकते हैं कोई सीढ़ी तो नहीं ना उसमें लकड़ी की या लोहे की किसकी एक ही सीढ़ी है बताते चले और क्या बुराक एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ा था बुराक घोड़ा सीढ़ी चढ़ता है सो, सोचें ये सीढ़ी नहीं है वो एक मुहावरे में सीढ़ी कहा है कि वो जीने हैं लेवल्स हैं सात सात लेवल है क्योंकि सात आसमान है तो एक आसमान से दूसरे उसने शाफ माया कि जब इसका एक पैर बुराक का अगले पैर मतलब स्टेप लेता था इनसाइड स्पेस तो जहां तक मुझे नजर आता था ना उस हराइजन तक ही जाता था उसके बाद मुझे अगला अगलाइजन खुलता था इसकी जस्ट जस्ट थी एक कि फर्स्ट यू नो स्टेप भी लेगा तो टिल द एज ऑफ माय आई साइट जहां जो चीज मुझे नजर आ रही है वहां तक मैं पहुंच जाता था उसको सो ये सीढ़ी इमेजिन करें कि ये ये क्या गेम्स आर दीदात नहीं बोलते थे सर लेट्स नॉट लेट्स नॉट फॉर पेट यू नो डैट लोअर आई टी ऑफ़ यू नो इनफीरियर साइकोलॉजी जो कि इस वक्त लिबरल माइंडसेट से आ रही है कुरान अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और फिर पोर्टल नौस बिल्ला पोर्टल का मजाक उड़ाते हैं और ये भी कहते हैं वो मिराज पे तो पता नहीं क्या हुआ था हमें पता है क्या हुआ था पढ़ लें हमें हमारे नबी ने बताया और जो गामिर साहब कहते हैं ना वो ख्वाब में हुई थी तो सिंपला सवाल है कि सर बल्कि उनसे पूछा गया कि सर ख्वाब में थी तो फिर अरब को किस बात का कमाल किया मसला गया था तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया वो अल्लाह के नबी को ख्वाब आए ना तो ये बड़ी बात होती है ये जवाब है उनका अब जिसको मर्जी ख्वाब आए सर ख्वाब में उड़ने में कोई बड़ी बात <laughs> नहीं होती हम साहब अरब के रैशनल लोगों को रैशनल जवाब साहबा ने दिए हैं उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह के नबी को ख्वाब आए तो कोई और मतलब होता इसका। तो है इसका वो असल में कहते नहीं ये दिस uh, इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एक लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी विच साहबाज नेचुरल टंग लैंग्वेज वॉज़ अरबी they didn't come up with this so you cannot use the linguistics argument here hmm. so the point is ke jab miraj ko mante hum to marriage ko kyun nahi mante singular maan rahe plural nahi maan rahe this is this is such a disgrace to the very you know concept of being a you know a thinker कि अब मुसलमान भी हैं एक में राज को मान लेंगे ज़्यादा हो जाएंगी तो और सर ये तो आपने कोई नई बातें कर दी hmm. हालांकि मारिज में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की उन ट्रोजेक्ट्रीज़ को ही बताया है कि नबी जब ऊपर जाता है उन्हीं रास्तों पर तो मराज होती है और फरिश्ते जब नीचे आते हैं तो उन्हीं रास्तों पर आते हैं तो वो मारे होते हैं वो ज़्यादा हैं यहाँ एक फरिश्ता तो नहीं आपको ऊपर आकाम लेके आ रहे और पहले आसमान पर और यहाँ तक टाइम लाइन भी बताई गई अल्लाह ताला ने उसी आयत में सो तो तो अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ अभी तो मैं बताऊँ आपको मैं तो किसी और दिन तफसील बताऊँगा कि कुरान पाक ने किस एंगल सारे के सारे यहाँ तक कि ये पूरी पैरालेस ड्रॉ की हुई है कुरने पाक में तार ने ये यूनिवर्स की पूरी डायग्राम है हमारे पास और ये मेरी कोई राय नहीं है तर्जमे पढ़ेंगे तो आपको नज़र भी आएंगे बस उर्दू के या ब्रैकेट्स वाले तर्जुबे ना पढ़ना सिंपल सिंपल सी बात है ताकि उस्मानी का तर्जुमा जो है ना ताकि उस्मानी साहब का तर्जुमा इज़ वेरी रियलिस्टिक क्योंकि उनको ग्रामर पता है इज़ एक्सपोज टू द करंट यूथ तो उन्होंने जो तर्जुमा किया ना मैं अब्दुल हलीम के अलावा तर्जुमा रिकमेंड नहीं करता था किसी को पहले अब जब वन आई वेन थ्रू हिज़नाज़ टर्मिन कि भाई ये तो इट्स नॉट जस्ट लिनियर इट्स वेरी यू नो सिंपल एज वेल सो वरना आप सोचें पिखथल शेक्सपियर की माँ अपनी कबर में मर जाए तड़प तड़प के दोबारा से <laughs> पिखथाल की अगर किताब आई एम टेलिंग यू शेक्सपियर कुर रीड पिकथल और यू यूसफ अली hmm. हमने वो जो मॉरमनस की बाइबल नहीं है उन्होंने जान लिया ऐसी अंग्रेज़ी में विक्टोरियन इंग्लिश लिखी है ना जोसेफ स्मिथ ने कि पाई ही ना सके कोई तब तो हमें कोई नबी मान जाएगा तो हमने भी किया कुरान पाक कर दो हार्डेस्ट बुक टू रीड इज़ द कुरान इन यूसुफ अलीज़ और पिखताल ट्रांसलेशन और हम गैर मुस्लिमों को देते हैं ये यू ऑफ गो और वो भी कहता है सर इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती मुझे मैं आम सा अंग्रेज़ हूँ आम सा अंग्रेज़ ठीक है तो हमें चाहिए कि मैं बात थैंक यू सो साहब की उर्दू ट्रांसलेशन की बात कर रहा था आप लोगों को मिशन लेना चाहिए कि ग्रामर सही पकड़ें और कुरान पाक की ट्रांसलेशन को यू you नो know, उसको, उसको सही रेटरिक के अंदर लेके आएंगे भाई जिस ग्रामर में अल्लाह ताला जैसे तैसे कुरान ने क्या किया था मुहावरे में तर्जमा किया hmm. आ, आयात का तीन तीन आयात में एक आयत बन रही है उर्दू में ठीक है उससे क्या हुआ था वाई डि यू थिंक कुरान गॉड वायरल इन दिस टाइम अभी भी वायरल वन वन ऑफ़ द मोस्ट वायरल बुक्स है बिकॉज ही यूज़ द राइट ग्रामर

मेरा नाम लेके एक दोआर कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपनी राह में शहीद करे मेरे बेटे को भी मेरे बच्चियों को भी सिवाय शहादत की नीयत के आ, ये काम नहीं होने वाले और नीयत क्या मतलब पूरा का पूरा अमल भी ऐसा हो कि वाकई अल्लाह ताला कबूल भी करे तो ये ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआएँ करते रहें आ, और अल्लाह इक्तफा रखें कि भाई अल्लाह ही करने वाले हैं और हमसे नहीं होना